Today we are going to conduct a webinar by All India Rank 54 Arpit Gupta, and he is with us today, and he will share his strategy. Please everyone mute your mic. Mute you all. ईमान अपना माइक म्यूट करो. I hope everyone has muted his mic except for Arpit. Once again, very good afternoon to everyone. I am Mahitosh Mahip, and today's session is to be conducted by Arpit Gupta, who got rank 54 in civil services this year, and his optional was mathematics. So I will ask him to share his strategies, and whatever he went through, he can have a talk with you, and you can also ask question with him. So let me open up this floor for Arpit. So Arpit, the floor is yours. Hello, good afternoon, sir, and good afternoon to everyone attending this session. So my purpose of actually attending this session is to try and impart whatever I can from my end, at least for this optional, because you all know that this optional is considered probably the toughest one in all the options available in UPSC CSE. But this is the optional which gives you the highest scores also. So we need to discuss a lot about this optional so that we can be amongst the toppers and we can take advantage of this optional in our this civil services journey. So I would like to first of all start this session with a few of the questions, like why math, or why how people choose math. So if anyone is having any doubt regarding this, we can start. Anyone can speak. किसी को कुछ पूछना है, please ask. हिंदी में भी पूछ सकते हो, अंग्रेजी में भी पूछ सकते हो. Good evening, good afternoon, sir. Good afternoon. मेरा क्वेश्चन है वो आंसर राइटिंग से रिलेटेड. जैसे कि क्या होते कि जब आंसर राइटिंग लिखते तो सर ने सजेशन जैसे देते कि अगर सेल्फ एनालाइज करना हो तो हम मतलब टॉपर्स के कॉपी से ले सकते, मतलब एनालाइज अपना आंसर कर सकते हैं. पर क्योंकि इतने टॉपर्स का कंपेरिजन ये हो जाता है कि कौन से टॉपर के लिए कौन, मतलब उनके कौन से सब्जेक्ट को कैसे प्रिफर करें, क्योंकि न्यूमरस सब्जेक्ट होते हैं, उसमें पर्टिकुलर आंसर के लिए या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उनके मार्क्स को टैली करके अपने आंसर पे वैलिडेट करना बहुत टाइम टेकन है. उसका कोई मतलब और कोई तरीका है क्या? यार फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेशन इज फॉर मैथ्स ऑप्शनल एक्चुअली, सो प्लीज आस्क डाउट्स रिलेटेड टू जीएस इन सम अदर सेशन. When I'll take that, ठीक है. अभी इस सेशन में ट्राई करो कि मैथ्स के क्वेश्चन पूछो, ठीक है. अभी आंसर राइटिंग इन मैथ्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू हैव टू राइट सम स्टेटमेंट और यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है. हमारा अल्टीमेट एम मैथ्स में एक्यूरेसी है, बिकॉज एक्यूरेसी के मार्क्स हैं. सर वैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, उसके रिकॉर्डिंग कोई
अभी यार दिस सेशन इज अबाउट मैथमेटिक्स. आई हैव सो आई थिंक यू शुड बी लाइक नॉट बी जॉइनिंग दिस सेशन बिकॉज इट माइट नॉट हेल्प यू. थैंक यू सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. जैसे कि फॉर रिगार्डिंग फॉर द मैथ सेक्शन है सर, मैं केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की हूँ लेकिन मुझे अभी लगता है कि शायद मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं मैथ्स को ऑप्शनल में लूँ तो मेरे लिए इजी होगा या नहीं? मेरा यार ये परसेप्शन है कि मैथ एज एन ऑप्शनल तभी लेना चाहिए जब यू हैव सम बैकग्राउंड इन इट. जैसा कि आपने बताया कि यू आर डूइंग एमएससी, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग एमएससी, ठीक है. तो सिमिलरली कुछ लोग जो है जो ग्रेजुएशन में काफी सारे सब्जेक्ट, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप ग्रेजुएशन में काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हो जो मैथ से रिलेटेड है, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शनल. पर फिर भी आई वुड से कि यार प्लीज ऑप्शनल कोई भी लेने से पहले ना एक बार एनालिसिस करना कि तुम्हें कितना फायदा हो रहा है इस ऑप्शनल से और कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है. मतलब दोनों साइड को पहले वे करना एंड ट्राई टू सी कि क्या आप अपने जो एफर्ट्स हैं उनको मैक्सिमाइज करके वहां से वो आप आउटपुट ले आ पा रहे हो जो आपको चाहिए. क्योंकि मैथ एक ऐसा ऑप्शनल है ना जहाँ पे इफ यू पुट सम अमाउंट ऑफ एफर्ट यू विल बी अमंगस्ट लाइक द बॉटम वंस. और पता है मैथ्स में अगर आप बॉटम में हो तो यू कैन नेवर मेक इट टू द लिस्ट, ठीक है. देर आर एक्सेप्शन, एक दो हर साल होंगे ऐसे, बट यू कैन लाइक यू डोंट एक्सपेक्ट टू बी एन एक्सेप्शन, राइट. तो इसलिए मैथ्स में आइदर गिव ऑल इन, ठीक है, सब सारे एफर्ट्स मार दो या फिर मैथ्स मत लो एज एन ऑप्शन, ठीक है. सर मैं तो 11-12 में था, वो 11-12 का थोड़ा नॉलेज हेल्प करेगा क्या ये ऑप्शनल में? यार 11-12 की नॉलेज बेसिक चीजों में हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग सम इंटीग्रेशन और आपको याद आ जाता है कि अच्छा 1/a² + x² का इंटीग्रेशन जो है ये होता है, बट इससे ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, ठीक है. मतलब 11-12 की जो नॉलेज है ना वो बेसिक चीजों में हेल्प करती है, मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है. और सर बीएससी में भी मेरा थोड़ा इलेक्टिव था, इलेक्टिव सब्जेक्ट में मैथ्स था, 2 साल पढ़ी थी मैं. हाँ तो देन यू कैन टेक. मैं वही कह रहा हूँ कि आपको तभी लेना चाहिए जब यू हैव बैकग्राउंड, अगर आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं ऑलरेडी एंड यू नो कि हाँ मुझे चीजों का आइडिया है और आई कैन गो विद दिस ऑप्शनल, सो यस यू कैन. ओके सर, कोचिंग लेने का जरूरत है क्या मैथ्स के लिए? कोचिंग लेने की यार जरूरत एक्चुअली मैथ्स के लिए वैसे डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है. अगेन आई वुड से कि इफ यू वॉन्ट टू टेक कोचिंग गो फॉर गुड वन, ठीक है, जो जेन्युइनली आपको चीजें बता रहे हैं, ठीक है. क्योंकि क्या होता है ना कि पीपल गो फॉर अ सिंगल कोचिंग, ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली अ मोनोपोली. सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर नॉट एक्चुअली एबल टू ट्रांसफॉर्म योर स्कोर देयर, ठीक है. Just a minute. Okay, post your questions. Just a minute. Yeah, Himanshu, you are raising hand. Ask your questions. Yeah, good afternoon sir. I had to ask about, first, my first question is what, what do you expect, what is the scaling factor? We have seen that marks have came down this time, not many have scored around 280, and my second thing was while reading and solving the questions and solving the PYQs, I'm comfortable with it, but while attempting the paper, when I'm attempting a full-length test, I'm not able to recall most of the things. So what should I do for that? I think Arpit will also answer. Scaling is a topic which is a black box in UPS. One cannot articulate it as precisely as one can, but given the recent year's trend, it hovers around 0.65 to 7.5. So in paper 2 it is seen around 7.5 and in paper 1 it's about 0.7. And paper 1, given the fact, is quite straightforward and a lot of questions are premised on calculation and there are chances of errors here and there. So because of that, in paper 1 there is huge scaling. Okay. So your second question,
is about the fact that you are very comfortable with previous year question, but once you start doing for this real examination paper, or for that matter test papers, full length paper, there you have certain problem. Answer is very simple. Previous year questions are something which anybody would be doing that, and they can do it by hook or crook. Primacy that we try to impart is knowledge. Hindi we say pehle shiksha uske baad pariksha. So many people do reverse engineering. That is, they just start solving questions. That is also okay, but to a certain extent. Until and unless you are very much organized and doing question syllabus wise, looking after each topic and solving previous year questions, because many of the people who have got selected and who are preparing also, and some of them already selected, are still trying to improve their rank. They are trying to do our sheets, because our sheets is something which is very much organized. And that really helps you to know what was happening in 1980s questions and even to this day. You also incorporate what questions have been asked from UPSC. So level is that. Okay. So Arpit, you want to answer to his question? Arpit hai? Sir, I would like, you have given all the answers actually to, but I would like to add simply on one thing. See, scaling अपने हाथ में नहीं है, ठीक है. Scaling is something जो कि यार UPSC कर रहा है, ठीक है. वो कहीं ना कहीं जो है हर साल वेरी करती है थोड़ी बहुत, डिपेंडिंग ऑन हम सब ने क्यूमुलेटिवली कैसा पेपर किया है एंड बाकी ऑप्शंस ने कैसा परफॉर्म किया है. सो एक चीज ये दिमाग में रखो कि यू हैव टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट, ठीक है. आपको अपना अचीवमेंट जो है, जो भी अपना गोल है, उसको जो है पुश करते रहना है हायर लेवल तक. बाकी यार इसके अलावा स्केलिंग का ज्यादा आइडिया सही बताऊं तो मतलब यार नहीं लग पाता है. हम सिर्फ ये कर पाते हैं कि हम समझ पाते हैं लोगों के मार्क्स से कि क्या स्केलिंग हो रही है, ठीक है. बट वी डोंट हैव एनी फुल प्रूफ वे टू अंडरस्टैंड कितनी स्केलिंग होगी. तो इट ऑलवेज रिमेन्स इन द डार्क, ठीक है. फोकस ऑन द कंट्रोलेबल, ट्राई टू फोकस ऑन जो भी ये एस्पेक्ट है कि मैक्सिमाइज करने हैं मार्क्स. कोशिश करो कि एटलीस्ट 430 मार्क्स का पेपर जो है, 400 प्लस मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओ. यू विल गेट डिसेंट एनफ मार्क्स. Himanshu is asking, what was your attempted score this year in both papers? Okay, my attempt in this year's papers was 210 in both the papers. In paper 1, I made some silly mistakes in 215 markers. It was calculation mistakes, and I know calculation mistakes UPSC may reward. Paper 2, I was conceptually lacking in around 15 marks question. Otherwise, I attempted the whole paper, and 210 marks was right. So overall जो है 210 दोनों पेपर में करेक्ट अटेम्प्ट थे, जो पूरी तरह से करेक्ट थे. एंड आफ्टर दैट आई गॉट 306. सो रुचि पांडे पूछ रही है, सर आपने कोचिंग ली थी यूपीएससी की? ओके, सो आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई. सी, आई हैव नॉट डन एनी कोचिंग of mathematics optional, because I was confident that I could cover it myself. I see, ek jagah pe you really need help, and that is in the physics portion. I have already told ki physics portion mein yaar, Mahitosh sir ki jo bhi test series ke questions the na, I practiced them with concepts, theek hai. क्या होता है कि कॉन्सेप्ट फिजिक्स में समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट लाइक गो आफ्टर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इट्स इम्पॉसिबल. तो मैं वही है, सर के टेस्ट सीरीज में वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, जो भी फिजिक्स के मैं उनका कॉन्सेप्ट समझ लेता था. एंड अगर नहीं समझ में आया तो सर से पूछ लिया कि सर ये एक्सप्लेन कर दो कैसे करना है, ठीक है. सो दैट्स हाउ आई कवर्ड व्हाट एवर आई लैग, ठीक है. मैथ्स वाला जो पोर्शन था, देयर आई डिड नॉट लैग एट ऑल, बिकॉज दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी क्लियर टू मी. श्री इज आस्किंग, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, एज मेनी ऑफ देम ओके स्पीक इंग्लिश में. ओके ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. आई थॉट देयर माइट बी पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सॉरी सर. ठीक है, नहीं, श्री इज सेइंग इन इंग्लिश.
ठीक है सर, आपने ऑप्शनल के लिए कौन कौन से बुक रेफर किए थे? I have already mentioned all the books on my channel. So you can go there and try to see my maths optional strategy. Actually, I have already shared a PDF too, where I have explained each and every aspect of mathematics as an optional, why, how, everything. So I would recommend you to go through it once. सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के लिए मतलब आपने फुल लेंथ टेस्ट कितने दिए थे, मतलब सेक्शनल भी दिए थे? सो सी मैथमेटिक्स के लिए आई गेव नियरली 14 फुल, आई थिंक 14 टेस्ट टोटल, 10 वर द फुल लेंथ टेस्ट, एंड सी मैंने जो 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे ना वो एग्जाम मोड में दिए थे, लेकिन प्रैक्टिस मोड में आई गेव अ लॉट ऑफ टेस्ट, मैंने G20 ड्राइव से काफी सारे टेस्ट उठाए थे वो दिए. इसके अलावा व्हाट आई डिड वाज मैंने सर से उन्हीं के टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन पेपर्स ले लिए थे पिछले सालों के, और मैंने वो सॉल्व करके जो है अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो आई आस्क सर कि कैसे करना है. ठीक है, तो इससे व्हाट आई डिड वाज काफी सारे पेपर्स मैंने प्रैक्टिस मोड में कर लिए थे, सो दैट रियली हेल्प. आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर मोर एंड मोर फुल लेंथ टेस्ट इन प्रैक्टिस मोड. RAM mode में even if you get 7 tests, those are enough. Sir, आप doubt question कैसे solve करते थे? Yeah, doubts. I have a group of 5 to 8 people actually, and there we used to discuss those doubts. ठीक है, so try to make a peer group of people जो discuss करते हो ये सब चीजें. और see there are already a few groups on Telegram. ठीक है, तो वहां पे आप डाउट्स डाल सकते हो, वो लोग हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, और इफ यू थिंक कि डाउट है और नहीं सॉल्व हो रहा है, ये बस गूगल सर्च भी कर लेना. ठीक है, फिर काफी सारे डाउट गूगल पे मिल जाते हैं. जी सर, डू यू बिलीव दैट बिसाइड बुकिश प्रिपरेशन देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स? अच्छा सर्वेश, ओके. हां सर, फॉर फर्स्ट आई कांग्रेचुलेट सर. और सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब कितना बेसिक था. योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर्वेश एक्चुअली, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड? सर हम कह रहे हैं कि कितना बेसिक मतलब प्रिपेयर हो कि तो मैथ लेने के लिए सोच सकते हैं. मैं ये बताऊंगा कि बेसिक प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव अ बैकग्राउंड इन मैथ एटलीस्ट, क्योंकि यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स किए से टच में रहे हो. ठीक है, या फिर बीटेक मैकेनिकल से किए हो मैथ से, देन ओनली गो फॉर दिस ऑप्शनल. ठीक है, 12th क्लास के बेसिस पे मैथ नहीं लेनी है यार, मतलब ये मेरा बिल्कुल जो है बीटेक मैकेनिकल से. हाँ, बीटेक मैकेनिकल तो है, तो यार यू विल गेट हेल्प इन लॉट ऑफ सब्जेक्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स और ये स्टैटिक डायनेमिक्स में काफी सारी चीजें क्लियर होंगी तुम्हें ऑलरेडी. सर एक और डाउट था, जैसे मैं सब पेपर मतलब जीएस जो पेपर वो हिंदी में देना चाहता हूँ और मैथ का इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में तो रहेगा ही, तो इसे देखकर. हाँ, ये ऑप्शन है, मेरे एक सीनियर ये चीज कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस ये ऑप्शन अवेलेबल है की यार यूपीएससी गिव्स यू ऑल द ऑप्शंस, मतलब सारे ऑप्शंस ओपन है किसी भी भाषा में, बस सही चीज लिख के आनी होती है बेसिकली वहां पे. ठीक है, नो इश्यूज, यू कैन डू दैट. ठीक ठीक, थैंक यू सर. हेलो सर. हेलो सर. हेलो सर. यस सर, मैं शुभोजित बोल रहा हूँ बंगाल, वेस्ट बंगाल से. ओके सर, हम तो बंगाली मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन इतना अंग्रेजी में अच्छा नहीं है और हिंदी में भी नहीं, क्योंकि मेरा जो घर है वो बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर में है. तो सर अगर मैं बंगाल में अगर बंगाली में एग्जाम देना चाहूंगा, तो सर ऐसे कोई सोर्स, कोई टॉपर्स जो बंगाल में दिया हो एग्जाम ऐसे? यार आई रियली डोंट हैव एनी आईडिया अबाउट एनी टॉपर गिविंग एग्जाम इन बंगाली. ठीक है, बट देखो व्हाट यू कैन डू इज कि आप सोर्सेज जो है बाकी लैंग्वेज के यूज कर सकते हो और अपनी खुद के नोट्स जो है उस बंगाली में बना सकते हो इफ यू वांट टू गिव एग्जाम इन बंगाली.
तो सर इंग्लिश को और बंगाली में ट्रांसफर करना मतलब नोट्स बनाने में तो सर बहुत काफी टाइम लग जाएगा सर. अब यार आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दिस मतलब बिकॉज़ आई डोंट नो एनीवन. ओके सर, थैंक यू सर. गुड आफ्टरनून सर. हेलो सर. सर आई एम देवाशीष एंड आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम. Like every day we have to read newspaper, then there are answer writing mains attempts, and then we have to balance the maths. और फिर पिछले हफ्ते का भी maths का जो test में questions रह गए उनको भी revise करना. So it is a truckload of things which are very heavy. So how to balance them? Okay. Are you giving mains this year? Yes, sir. I am giving mains this year. Okay. So listen, I'll suggest you, Devashish, दो चीजें करो. पहला तो ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम रिड्यूस कर दो टू हाफ एन आवर. ट्राई करो कि हेडिंग्स देख लिया करो न्यूज़पेपर में क्या चल रही है अभी, एडिटोरियल्स एक्सेट्रा जो है ट्राई करो कि अवॉइड करो, ठीक है? क्योंकि अभी के एडिटोरियल से क्वेश्चन बनना मुश्किल है, अभी के न्यूज से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? अभी के जो फैक्ट बेस्ड चीजें हो रही है ना, अभी मतलब अभी कोई मीटिंग हो रही है या फिर कुछ भी जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उससे क्वेश्चन बनना है, पॉसिबल है. एडिटोरियल से मुश्किल है कि अभी क्वेश्चंस बने, और बनते भी हैं तो यू कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर यार, तो यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द एडिटोरियल्स. अभी वहां से टाइम रिड्यूस करके मैथ्स को देना शुरू कर दो, और मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो यार, क्योंकि ये जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम है ना, इसमें मैथ्स को मोर देन 50% ऑफ द टाइम एनीवेज देना है, क्योंकि इफ यू गिव लेस टाइम ना तो मैथ्स में आप एवरेज भी नहीं रहोगे, ठीक है? मैथ्स में सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं, इट्स बाइनरी सब्जेक्ट. यू माइट हैव हर्ड दिस फ्रॉम टॉपर्स ऑल्सो, बाकी टॉपर्स से कनिष्क सर यूज टू टेल दिस ऑलवेज कि यार ये बाइनरी गेम है, आइदर यू आर एट द टॉप और यू आर एट द बॉटम, ये इधर कोई बीच का खेल नहीं है. सो द पॉइंट इज आइदर गिव मैथ्स योर होल हर्ट और डोंट. सो अभी यू डोंट हैव ऑप्शन. So you'll have to give more than 50% of the time to math by compromising some of the things in GS. Compromise करना पड़ेगा यार. ठीक है सर, thank you, thank you very much. Hello, good afternoon sir. Thank you. Hello sir. Sir, Sanjeev here. Sir, video को unmute कर दीजिए. किसका? अर्पित सर. हेलो हाँ बोलो सर. आई हैव अ डाउट दैट आई हैव डन द बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई हैव द मैथ बैकग्राउंड, बट स्टिल व्हेन पेर सब्जेक्ट एज एन यूपीएससी प्रिपरेशन समटाइम्स वी गॉट स्टक ऑन सम कांसेप्ट और थ्योरम एंड इट टेक्स मोर देन आवर टू अंडरस्टैंड अ सिंपल पॉइंट एंड देन वी टेक अ डाउट ऑन आवरसेल्फ इज इट आवर कप ऑफ टी और नॉट. सो what do you think if a single concept takes more than 1 hour sometimes should I think of changing the optional or dekho go for hard work, theek hai? changing the optional is easy, lekin ye easier said than done wali jo kahawat hai na, ki aasan hai kehna but thoda tough hai karna, wo wali cheez hai. Okay sir. Hi sir, this is Ronit. I have a question. Yes. Yeah. Congrats, sir, for on your success. My question is basically, I'm writing the next mains coming in September. So my preparation in maths is basically that I did only around 30% of the syllabus, which is in sync with my engineering background or topics. So my question here is. To get maximum benefit rate, which are the topics that I should prioritize first? Of course, everything should be done, as you said already, but I'm asking you the priority in this short time. See, priority mein wohi cheeze karni hai jahan se minimum effort se maximum output aata hai. So, sabse important main batata hun priority mein abhi ek kya chal raha hai. Dekho, physics ke topic mein concept agar build kar liya na, to minimum input hai. मैक्सिमम आउटपुट है. फॉर एग्जाम्पल आपने इम्पल्स समझने में मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे, ठीक है? अगर वो समझ लिया ना और 1 10 मार्कर इम्पल्स पे आता है तो यू आर वेटेड फॉर श्योर. इस तरह के टॉपिक सॉल्व करो. अभी वो टाइम नहीं है कि आप जाओ और मॉडर्न अलजेब्रा पूरी रिवाइज करने बैठ जाओ, इफ यू डोंट हैव ऑलरेडी अ गुड बेस इन मॉडर्न अलजेब्रा.
ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इवन इफ यू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द थ्योरम सब याद कर लोगे, एग्जाम में नहीं लगेगा, बिलीव मी. मेरे साथ ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो चुका है. और आई डोंट टॉक फ्लावरी, ठीक है, मैं हमेशा रियलिटी में बात करता हूँ. आई विल नॉट से कि सब हो जाएगा. गो फॉर इजी थिंग जो हो जाए. ठीक है, फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो इजी हैं, उनको पकड़ो. कुछ टॉपिक्स और हैं लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हर साल रिपीट होते हैं. इसके अलावा गो फॉर इजियर टॉपिक्स लाइक वेक्टर एनालिसिस में अगर कुछ छोड़े हुए हो, थोड़ी बहुत चीजें वो कर लो. ओडी पीडी में कुछ भी नहीं छोड़ना है. अगर कुछ भी लगता है कि नहीं यार ये चीज जो है अभी नहीं करी है, वो जरूर कर लो. क्योंकि ओडी पीडी ऐसा टॉपिक है, अगर किया है तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा. बस कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखना होता है. इस तरह से देखो कि कौन सी चीजें हैं जो इजी पड़ रही हैं, क्योंकि सारी चीजें तो नहीं कर सकते. Sir, what do you think about skating? What do you think about? Scaling. Scaling. Okay, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं शायद. सर, उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें जिनका आंसर हमें नहीं पता या कोई कंटेंट हमें बनाना नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस को सर कैसे टैकल करें, स्पेशली इन एसे? अभी दिस सेशन इज एक्चुअली गोइंग ऑन फॉर मैथ, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग एसे हियर. आई विल टेक अ सेशन ऑन जीएस पोर्शन आल्सो. आई विल इन्फॉर्म अबाउट दैट जूम मीटिंग. ठीक है, yes, what was the question? So how much time would be the first iteration of mathematics option would take? Okay, mathematics optional ki preparation yaar lagbhag jo hai 8 mahine lagti hai agar daily 3 ghante baithte ho. Theek hai, depends on you. Ab kya hai ki math ke liye chart note banana hai ki nahi, jo har day par main banana chala hai na, nayi awaaz aur jankari. Who is this? डायरेक्टली रिविजन में जब सेकंड रिविजन कर रहा था तब उठाया था. तो मेरा फर्स्ट आइटरेशन जो है वो जल्दी कम्प्लीट हो गया था इन फाइव मंथ अप्रोक्स. ठीक है, बाकी जो टॉपिक थे फॉर एग्जाम्पल लीनियर अलजेब्रा कैलकुलस ये सब मैंने सीधे सेकंड रिविजन में उठाए और उनके क्वेश्चन सोल्व किए थे. कि अगर किसी टॉपिक में ऑलरेडी होल्ड है तो ट्राई टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस डायरेक्टली विदाउट गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट. क्योंकि ये जीएस नहीं है यार, जहाँ पे यू रीड एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन एग्जाम में लग जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस इज नेसेसरी. हाउ टू बैलेंस, राइट? तो बैलेंस यार क्या है ना कि लोगों के एग्जाम्स निकल जाते हैं, ठीक है, रैंक आ जाती है, पर बैलेंस करना नहीं आता है सच बताऊं तो. ठीक है, इट इज वेरी टफ कि आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाओ दोनों में. मेरा यार सीधा अप्रोच ये था कि हर जो है आइटरेशन में जीएस के पेपर्स को लाइन से देना है, फिर मैथ्स के पेपर्स को लाइन से देना है. ये मैं प्रिलिम्स और मेंस के बीच का बता रहा हूँ कि जीएस के पेपर्स को लाइन से देना है, फिर मैथ्स उठा के लाइन से देना है, फिर अगला आइटरेशन शुरू करना है उसमें मैथ्स के पेपर्स देना है और जीएस के पेपर्स देना है. क्योंकि इससे ज्यादा सॉर्टेड तरीका मुझे दिखा नहीं यार. सर, मैथ्स ऑप्शनल के साथ आपने करंट अफेयर्स कैसे मैनेज किया था, कुछ पता? यार, आई एम नॉट अ वेरी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पर्सन. मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ एंड एक्चुअली आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर, हॉबी काइंड ऑफ है. तो ये नहीं है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ डेली. ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि न्यूज़पेपर से जो भी अच्छा कंटेंट आ रहा है मैं वो दिमाग में बैठा लूँ. नोट्स नहीं बनाता हूँ न्यूज़पेपर का, जब भी जो है आता है ना ये पीटी 365 और मेंस 365 तो वो कर लेता हूँ. अब देखो, मैं ये मैथ्स ऑप्शनल के सेशन में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम जब मैथ पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें टाइम कम मिलता है करंट अफेयर्स पे नोट्स बनाने का, मंथली मैगजीन पढ़ने का, तो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ता है. मैंने सिर्फ ईयरली मैगजीन पढ़ी इसीलिए जो लास्ट में पीटी 365 या मीन 365 आती है, क्योंकि टाइम नहीं होता है यार, मतलब मैनेज नहीं हो पाता है, सब चीजें वॉच वॉच चल रही होती हैं, फिर लगता है कि या तो कुछ मत करो या तो सब कर लो. तो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू लाइक रिलाई ऑन मिनिमम सोर्सेज. Basically, my question is that whenever I solve IMS questions booklet,
then there are some unsolved questions and I'm get stuck in that question. So how can I solve them? Okay. यार अभी क्या है ना आई हैव नॉट रेड एक्चुअली आई एम एस नोट ठीक है आई माय पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है दैट हैज बीन थ्रू ये बुक्स और जो भी कनिष्क कटारिया सर के नोट्स थे ठीक है दैट मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्सेज यूज नहीं करे हैं कुछ टॉपिक्स पे जहाँ पे मुझे लगा कि जो है मेरे पास नहीं है कंटेंट वो मैंने माइकोश सर से मांग लिया कि सर मुझे ये टॉपिक के कुछ भी दे दीजिए कंटेंट ठीक है थोड़ा सा तो सर यूज टू सेंड मी सम ऑफ द पिक्स ठीक है उधर से पढ़ लेता था मैंने यार नोट्स इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि पहली चीज तो मुझे नोट वो नहीं लगते हैं मतलब एनफ नहीं लगते हैं वो ठीक है सफिशियंट नहीं लगते हैं दूसरी चीज यार थी कि बुक से अच्छा सोर्स कोई नहीं हो सकता है ठीक है बुक से अच्छा सोर्स नहीं हो सकता है किसी भी ठीक है और अभी यू नो कि जो है सीन अभी ये चल रहा है कि मैथ्स ऑप्शनल में कोई भी सोर्स सफिशियंट नहीं रह गया है जिस तरह के नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है आई वो जो कोचिंग के नोट्स वाला कॉन्सेप्ट था ना कि जो है कोचिंग के नोट्स एक पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं और मैथ्स में हम 320 330 मार देंगे वो टाइम चला गया है अभी ठीक है अभी क्या हो गया है कि क्वेश्चंस नए आते हैं रिपीट नहीं होते हैं सो ट्राई टू फोकस ऑन बुक और ट्राई टू ज्वाइन सम गुड टेस्ट सीरीज वेयर यू गेट सच बाउंसर क्वेश्चंस ताकि प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए But from book, if we go from the books, then it may take more than 8 to 9 months, no? यार 8-9 months तो I already told कि लगेंगे ही और book से you have to read only those topics from book जो already Kanish Kataria sir के notes में हैं you have to basically elaborate on those topics is from books और practice करनी है book से mainly ठीक है you don't have to like start studying the whole book that will take a lot of time okay so we can refer Kanish Kataria notes as well as the reference books which have mentioned by him yes I have actually mentioned all the books on my telegram channel you can refer all those books I combined it with Kataria sir's notes and use them for my preparation maine khud ke notes will you please share your telegram link in the chat section okay I'll share it in chat section in 2 or 3 minutes okay sir no problem and sir good afternoon sir hello sir one last question some of my friends are asking me that whether the coaching is sufficient is necessary for maths option or not yeah again I would say that coaching is not necessary not sufficient theek hai खुद का हार्डवर्क बहुत मैटर करता है इफ यू थिंक कहीं पे जरूरत है ठीक है इफ यू थिंक मैथ्स में यू नीड कोचिंग यू कैन टेक ठीक है बट ट्राई टू पहले एनालाइज की जरूरत है या नहीं दूसरी चीज ट्राई नॉट टू ऐसे गो ऑन द नेम ऑफ द कोचिंग ठीक है क्योंकि यू नो देयर इज अ मार्केट लीडर व्हिच डज नॉट टीच एनीथिंग ठीक है सो यू माइट बी नोइंग ठीक है आई डोंट टेक नेम किसी भी टॉपर से इफ यू विल आस्क जो उधर पढ़ा भी है ना तो कभी तारीफ नहीं सुनोगे ठीक है तो इसलिए ट्राई टू जो है लर्न अभी यू माइट बी नोइंग दैट लॉट ऑफ पीपल हु हैव फियर्ड हैव गिवन क्रेडिट टू स्मॉलर कोचिंग ठीक है बिकॉज़ दे आर रियली वर्किंग हार्ड ठीक है वन ऑफ द कोचिंग फॉर एग्जांपल द पर्सन हु इज होस्टिंग दिस होल सेशन माइकोस सर इज हैविंग अ वेरी स्मॉल कोचिंग But I joined his test series because I knew that मुझे जो benefit इधर मिलेगा वो IMS नहीं दे सकता है ठीक है sure. So that's how it is यार you have to choose पहले तो और analyze करना पड़ेगा कि कौन सी चीज सही है खुद के लिए कौन सी नहीं rat race में नहीं जाना sir is providing only some specific topics no not all the topics अब that is something sir will tell Actually, we are doing all courses, and there are some students who are selected. They done our classes of fluid dynamics and mechanics and physics portion, but they have not come on their own terms. So to vouch for me, so neither have I. I asked them humbly to enlighten my sessions, but they have not, paid heeded to those words. But Arpit was someone who took up this cudgel to really enlighten people. Who are in this fire of UPSC from so many years?
he will be also telling you the truth that there are many people who are struggling from second attempts. Primarily yes, because they do not know the depth of his examination. Because I yes. know of it, I think, from the last year also, I was expecting him a rank. He didn't get yes, I was really, really surprised that how he couldn't get. Either he must be trying to think about himself. But I knew that he has a very core concept. And all the time, I was always check his copy first because the way he used to write, and we used to discuss a lot, means if anything is there. So I think before examination also, we are looking for some questions that this may that might be asked, and across the board, not just in physics topic. And we were discussing the ideas, but other student, for them, I have to solve those differential equations in a fluid dynamics or mechanics courses. I have to use rotational and translational aspect. So he was confident about mathematics. All he was concerned was about concept. So I think, like we teach, suppose in a topic of fluid dynamics, we have books of 1,000 pages, and there are so many books. But when I teach, I can bring that to 60 pages, and that 60 pages, I can bring it to 6 pages. So I think one need that level of clarity in every topic and not the bulky 5,000 page notes, because that will really harm yourself. So brevity is very important in subjects like mathematics. The more precise you are, the better. Sir, one last question is that whenever I study mathematics, at initial phase, I have stopped reading mathematics in the prelims phase, that is before prelims, 2-3 months. And now I want to start again that OD-PD section, and it's making matlab cumbersome, something like the, I'm unable to pick these topics once again. So any method to get them through once again? I think in mathematics, flow is very important. You need to be in flow. Whether you study, in the prelims period, we stop studying mathematics for the 2 or 3 months. Then you will pick up the thread. And certainly, during prelims period, you will not be studying. I mean, at least for those 2 months, according to yours, your restriction. But you need to pick up the thread. You need to really, you know, start doing. And in topics like ordinary differential equations, many people think there is a depth. There's a depth. There are equations of Clorets. Maybe you have to find, you have to understand the implications of Laplace transform, or even questions on variation of parameter not to be chosen, despite the fact it's very tempting, and but because they are time consuming. So there are traps left in UPSC in every question. Ek do question tough ho, easy hoga, aur ek usme bahut tough face kiya hoga. So it is always advisable to choose the easy questions. So a chakravyu already, you have to know ki kahan pe laga hua hai chakravyu. That will come from conceptual clarity. That will come from knowing the trends. Because in our classes also, we focus on the recent trend. That is what has happened in last 4 years or 5 years. In which we are going in particular topic. And that's why we have brought the sheet system. For every chapter, we have sheets, which encompasses questions from civil services and forest services. And everywhere, I think from 1980 also, we put the questions. So we know why, which questions can be asked, which cannot be asked. And many of the toppers last year, they felt some of the questions were tough. And we did tough questions because we don't know, UPSC may, you know, always, you know, keep the game very high, because people who are writing this examination are extremely talented. So even very tough questions, some of the people were topping in those questions also. I think with those tough questions also, they were getting around 160, 170, which is a huge score. It is consumerate to around 200 out of 250. So that is, that really set the tone that you can take up any challenge. सर एंड वन लास्ट मोर क्वेश्चन दैट जब भी सर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ओडी में कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम सर मेथड्स नहीं पता कर पा रहे हैं कि यार इसमें कौन सा मेथड लगना है, इसमें कौन सा लगना है, तो इसके लिए क्या चीज करनी चाहिए हमें? इवन दो वी हैव कंप्लीटेड ओडी वंस और टू टाइम, बट स्टिल वी आर अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज़ इन ओडी क्लासेस आई ऑलवेज से कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है. Okay. I can illustrate with some of the questions which I don't have at this moment. Otherwise, I can. The question ke andar hi answer hota hai, which I think I can illustrate in all, I mean, most of the topics. Because in mathematics, we have symmetry, we have patterns, we have something which is inherently present in the question itself. So it is coming from whether you have to recognize whether it is homogeneous function, homogeneous equation or not in the first place. So do you understand homogeneous function in the first place? Yes, sir.
So that is how you use in Euler's homogeneous equation, use in homogeneous differential equation. Even in differential equations, what is very important to understand is that UPSC is concerned about various methods. So you also have an answer verification technique, because one question you can do by method of undetermined coefficient, or maybe by Laplace transform, maybe a variation of parameter, maybe by a generic method of solving any second order differential equation for that matter. Taking cue from that using in mechanics and fluid dynamics. So it is all about how you, har ek sheet mein, har ek chapter mein kuch questions honge, jinka level hai. So if you I can't say that kuch bhi easy or tough nahi hota hai maths mein. Things are as they are. Yes, sir. Depending on how you have taken that up. If you are comfortable with so many questions, you will be comfortable. I can vouch, if you can solve my whole sheet, I think at least to 60-70%, you will be around 350. Because they will have questions. Okay. I have not left anything. I have taken into account all questions which UPSC has done in this history. At the same time, you are anticipating what could be the next. Like he is talking about physics topic. I have gone through all the books of the physics in the last 200 years. Where UPSC picks from. And why UPSC picks question, that is main important thing. Because as an aspirant, you will never come to know ki kahan se aayega. Yeah, everything. Yes, sir. But once you are the other side of the fence, once I was the aspirant, mere ko bhi nahi samajh mein aata tha ki what to leave and what not. Now I can very well understand, not because of intuition, but I can straight away see the patterns, because I am seeing from the top. So aspirants ke liye sab kuch lagta hai ki it is all about how you leave certain things. Jaise ki modern you are taking up 30-40 marks ka question rahega, and even if you have revised it so many times, you may not do those questions, because logo ko maine dekha hai, they can't. But on the other hand, there are two people this year also, they are in the list. They took the classes for fluid dynamics and mechanics. They did those questions and they are getting extra 20-25-30 marks. So that is better for them, because I can show those questions. I have given the test beforehand also, done in the class. So we take class test after every two units. Sir, one more question that many of other students are also asking in the chat section. Ki, sir, aapke modules kaise hume mil sakte hain? Module specially, it is demand centric. Abhi prelim mains examination ke liye hai, so we just started with fluid dynamics, I think yesterday itself. So it is basically for those who are writing mains, and I would suggest wo sab module unke liye hai jo are very thorough with basic units, basically like ODE, vectors, complex, and all of that. So ODE and vectors humne kar liya hai, isliye main chahta hu ek bar modules bhi go through hue to acha rahega. To agar wo modules chahiye ho to hume kisko approach karna chahiye? You can approach us, Aryabhata Ashram. Okay, sir. Okay. So there we can provide you information regarding that. Okay, sir, no problem. Arpit sir, I wanted to ask you that the entire week we study a particular topic for the test. And when we attempt test, hardly we are able to, I'm talking about myself, that I'm able to not go beyond 100 or 120 marks in attempts. And that becomes very demotivating. Then again, we just gather all the courage and work for the week and then get again demotivated on Sundays. So did that happen with you? Is it a normal phenomena, or there is something missing in my preparation? Yeah, getting demotivated is part and parcel of this preparation. Agar aisa nahi ho raha hai na, to problem hai. Ho raha hai to problem nahi hai. Theek hai? बस इस प्रिपरेशन में व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन एक ही चीज सोचा करो कि एवरीवन इज सफरिंग द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, सो यू आर नो डिफरेंट. बस ये है कि यू हैव टू मेक योर पाथ डिफरेंट. और वो कैसे होगा कि जब ये थॉट्स आए, देन टू यू हैव टू पुश योरसेल्फ. All right, sir. So is it so how did you score in the test series? Because I particularly find the test questions to be very tough and unconventional from those which I have been studying from the books. Okay, so I would say ki yeah, test series mein score nahi karna hota hai, test series mein learn karna hota hai. Theek hai, ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न करो. मतलब अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था अभी रिसेंटली किसी को, वेयर वी वर डिस्कसिंग समथिंग, कि मैं जानबूझ के
मैथ्स की टेस्ट सीरीज में टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था बिकॉज मुझे पता था कि इफ आई मेक इट रॉन्ग सर विल हेल्प मी अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो आई वुड टेल सर कि यार सर मैं टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, गलत होगा तो लर्न ही करूंगा, अगर इग्नोर कर दिया तो इग्नोर्ड ही रह जाएगा वो पोर्शन पक्का. बिकॉज इफ यू डोंट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन रॉन्गली ना तो मोटिवेशन नहीं रहता है सही जानने का. सच बता रहा हूँ, दिस इज अ फैक्ट. और प्रिलिम्स और मेंस के बीच में बहुत रश रहता है, तो ट्राई टू डू दिस. ठीक है, मॉक में नंबर पाके कोई फायदा नहीं है, मॉक से जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखो ताकि एग्जाम में नंबर आए. आई थिंक आई वॉन्ट टू एड, जो मेरे टेस्ट का लास्ट ईयर टॉपर था, ही इज इन द लास्ट रैंक. सो इट इज नॉट अबाउट द मार्क्स दैट यू गेट. लर्निंग क्या है टेस्ट सीरीज से, ये है अगर तुम इतने परफेक्ट हो तो तुम्हें टेस्ट सीरीज की जरूरत भी नहीं है. इफ यू नो एवरीथिंग ऑल, इफ यू नो ऑल वट कैन बी आस्क फ्रॉम द बुक्स एंड प्रीवियस ईयर, यू डोंट नीड एनीथिंग. तो टेस्ट से सर्टनली लर्निंग होता है एंड उसके थ्रू आई कैन गो बैकवर्ड, रिकर्सिव जा सकते हैं. आई कैन गो, आई कैन आस्क यू कि ये चीज आता है कि नहीं तुमको. आई वुड बी आस्किंग सोर्स एंड सिंक आता है कि नहीं, डू यू नो सर्कल थ्योरम और नॉट, डू यू नो वोर्टेक्स मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी का एस्पेक्ट, डू यू नो नेवियर स्टोक्स का इलेप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. आई विल बी आस्किंग ऑल दोस चेक पॉइंट्स टू पीपल हु हैव कम टू मी फॉर एवरी सेक्शन. सर्टनली इसी तरीके से हर एक सेक्शन में पूछते रहेंगे, तो रिकर्सिव तरीके से आई एम जस्ट हेल्पिंग यू कि हाउ, इफ आई एम सॉल्विंग अ कॉन्टोर इंटीग्रेशन, आई एम आस्किंग वेदर यू आर डूइंग बाय इंडेंटिंग पॉइंट और व्हाट इज योर अप्रोच. सो सच क्वेश्चंस विल फिगर अप इन एग्जामिनेशन. सो दैट इज द मेन आइडिया, दैट बिहाइंड दिस डिस्कशन, बिहाइंड दैट मेंटरशिप इज नॉट द मार्क्स. मार्क्स इज नॉट द मेन टेक अवे. इंपॉर्टेंट इज वॉट यू आर लर्निंग आउट ऑफ दैट. Out of that, what mistake have I would be asking to everyone ki last year kya marks tha, kya kis paper mein kam raha gaya, kaun sa section acha lagta hai, kaun sa section mein problem hai. Pinpointed, Arpit used to ask me pinpointed doubts ki ye main hai dikkat hai, yahan pe dikkat hai, ye question hai. So tumko bhi batana hoga ki kya pinpointed problem hai, what is a pinpointed problem. You have to, you know, divide and conquer. There will be 100 things initially. Usko 50 pe lao, usko 10 pe lao, usko 5 pe lao, usko 2 pe lao. Still, there will not be perfection. To realism mein rehna hoga. Theek hai. I can say ki physics topic mein karke jao, to 50 to 100 marks ka leverage hai. But if you are just going ki I have to do everything 100%, idealist log ka exam mein nahi hota hai. I can vouch for that. And idealism is suicidal for this examination because वो perfect दिन, वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा और तुम पढ़ते रह जाओगे, किताब होते रह जाएगा, जब तक realist नहीं बनोगे exam में selection नहीं होगा. थोड़ा hard words है but यही truth है. और किसी को पूछना है पूछो. Hello sir, my name is Ashutosh. Sir, basically, I am a working aspirant. I would be joining Indian Bank in the clerical cadre. And next year, mera first attempt hoga mains ka. Maine MSc aur BSc BHU se kiya hai mathematics mein. To maths mujhe pasand to hai, lekin chuki main ek working aspirant rahunga, to mere paas time already kam hoga. Ab aise mein mujhe ये decide karne mein dikkat ho rahi hai ki kya ek pragmatic decision hoga mathematics optional lena. क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैथ्स पढ़ा है, लेकिन 2019 में मैंने पास आउट किया, उसके बाद मैंने कुछ और चीजें की, तो बहुत ज्यादा उन चीजों से मेरा संबंध भी छूट गया, मैं टच में नहीं हूँ, लेकिन मैथ्स आई लाइक इट. तो अब मेरा क्या वो पैरामीटर होना चाहिए जहां मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे एक छोटा कंसाइज सिलेबस जैसे एंथ्रोपोलॉजी हुआ उधर जाऊं या मैथमेटिक्स में जाऊं, क्योंकि मैथमेटिक्स का सर लॉन्ग टर्म रिटर्न हो सकता है कि आप एक बार एक साल आपका नहीं भी होता है, बट अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो शायद सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में आपका हार्ड वर्क थोड़ा कम हो जाए. तो सर इसमें आप कुछ हेल्प कर पाओगे क्या, मैं कैसे इसको यार आई वुड सजेस्ट ना कि देखो मैथ्स ऑप्शनल में अगर प्रैग्मेटिकली बताऊं तो कोई भी टॉपर जो है वर्क करते करते मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर नहीं लेके आया है. एक रिजल्ट 2015 में वर्किंग एक्सपेरिमेंट का आया था भावेश मिश्रा, बट ही डिड नॉट गेट मच. ठीक है, ही डिड नॉट गेट मच इन मैथ. तो क्या है कि यार मैथ्स में थोड़ा तो है कि अगर टाइम नहीं है और टाइम नहीं डिवोट कर पा रहे तो मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि देयर आर पीपल हु आर वर्किंग मच हार्डर इन मैथ. तो आई वुड सजेस्ट कि try to take a decision based on number of hours you can daily devote to mathematics. If you cannot devote 2 hours after GS, GS ke baad,
अगर डेली 2 घंटे मैथ्स को नहीं दे पा रहे हो तो आई डोंट थिंक यू शुड टेक दिस ऑप्शनल, बिकॉज यार ये ऑप्शनल अगेन वही है, या तो लिस्ट में लेके जाता है या बाहर कर देता है. बीच का खेल नहीं है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल नहीं है. यू कैन गेट 200 ऑन योर फेस 2 इन दिस ऑप्शनल, दोनों पेपर मिला के. ठीक है, 200 ही नंबर आएंगे दोनों पेपर मिला के, ऐसा भी हो सकता है. इसलिए ट्राई टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स यू कैन डिवोट, क्योंकि लाइकनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, पासिंग एग्जाम इज अ डिफरेंट. राइट, एग्जैक्टली. या एंड सर, लाइक एक थोड़ा सा ये मैथ्स से हटके डाउट है कि कई बार सर अपने एबिलिटीज में भी डाउट होता है, क्योंकि लाइक हम सोचते तो हैं कि हाँ हमें प्रिपेयर करना है, वी हैव आवर ओन यू नो लाइक क्यों करना है, लेकिन उसके बावजूद अपने ही एबिलिटीज में डाउट होता है कि क्या सच में मेरे अंदर वो चीज़ है भी क्या कि मैं कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि नहीं, वी नो कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के, रोमांटिसिज्म में नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी एबिलिटीज तो कुछ ऐसे चेकलिस्ट होते हैं क्या सर, कि इफ आई एम गोइंग इनटू दिस यूपीएससी प्रिपरेशन, लाइक कि क्या ये मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, लाइक मेंटल स्टेबिलिटी कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सी इश्यूज हैं जिनसे आपको घर के इश्यूज से दूर रहने की जरूरत है, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड राइट. कुछ तो ऐसी भी चीजें होती होंगी ना जो नॉन एकेडमिक है नेचर में और वो अफेक्ट करती है इस एग्जाम के प्रेपरेशन में, तो कुछ बहुत क्लियरली एक चीज बताता हूँ. दिस प्रेपरेशन will take into account all your negative externalities which you face, ठीक है? But इसका जो effect है वो result पे नहीं दिखना चाहिए, इसलिए you have to learn how to manage, क्योंकि यार ये bureaucratic quality है, this quality is needed in a bureaucrat, इसीलिए इस exam को इस तरह का design किया गया है ताकि जो qualities आपके अंदर होनी चाहिए वो पहले से instill करी जाए through the process of exam. तो अगर यू थिंक इश्यूज फेस कर रहे हो तो इट इज वेरी जेन्युइन, बट यू हैव टू सी हाउ टू मैनेज इट, बिकॉज दैट्स हाउ अ ब्यूरोक्रेट इज, राइट? या ब्यूरोक्रेट डेली 100 इश्यूज डील करके अपने परिवार के साथ हंस रहा है, वरना नहीं हंस सकता अगर वो मैनेज नहीं कर पाएगा तो ही विल बी स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम. यस सर, थैंक्स थैंक्स. ये पूछ रहा है कोई, हेलो सर प्लीज डायरेक्ट मैं आज माइक. सर इज नेसेसरी टू कवर ऑल टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स? एक मिनट, हेलो सर, व्हाट वाज द क्वेश्चन? Somebody is asking, will it be fine to cover physics topics for solving previous year questions and test questions after just having a glance at the basic concept, or some writing mains 2022 and haven't touched physics topic? रिप्लाई किया मैंने कमेंट सेक्शन में इनको कि अभी यू डोंट हैव मच ऑफ द ऑप्शन, तो यही है कि टेस्ट सीरीज से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, जो भी क्वेश्चन में लगता है कि अच्छा इस जगह पे मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है. फॉर एग्जांपल इंपल्स के क्वेश्चन है, ब्लो के क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी एक्सेट्रा के क्वेश्चन है, वो पहली बार टेस्ट सीरीज में ही देखने को मिले थे मुझे, तो मैंने वहीं से कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि अच्छा ये भी चीजें अच्छे से पढ़ लेता हूँ, तो नो इश्यूज एट ऑल. और सी अभी क्या ऑप्शन है नहीं, तो जो भी कर सकते हो छोटे मोटे लेवल पे या बेसिक लेवल पे वो कर लो, और ज्यादा सोचो नहीं, ठीक है? क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं रहता है यार हर एक पोर्शन को लेकर के मैथ्स में, ठीक है? इस सही बताओ तो इस समवन इज हेलो सर, कोई एक बोलो, वन बाय वन बोलो. सर इज नेसेसरी टू कवर ऑल क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फ्रॉम बुक्स? रिपीट, हेलो, शी इज आस्किंग इज इट नेसेसरी टू कवर ऑल थिंग्स फ्रॉम बुक्स, ऑल क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स? All questions? No, no. Obviously, यार पेपर में सारे questions तो कोई भी attempt करके नहीं आता है, ठीक है? You have to see कि कहाँ maximize कर सकते हो अपने marks. मतलब एक बार पेपर एक glance में देखो और समझो कि अच्छा ये वाले question में जो है मैं 50 नंबर में से 30 नंबर निकाल सकता हूँ at max.
तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज. अब क्या है ना कि 100% ऑफ द पेपर किसी को नहीं आता है, ठीक है, किसी को नहीं आता है. तो द होल पॉइंट ऑफ द पेपर इज कि किस तरह से मार्क्स को मैक्सिमाइज किया जाए. अब वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पेपर में ही लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज करने पे आपके मार्क्स मैक्सिमम आ सकते हैं. वो क्वेश्चन पेपर देख के डिसाइड होता है. इसीलिए टेस्ट सीरीज में ना ये ट्राई किया करो कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अपने मार्क्स को देखा करो. तो यू विल हैव दिस आइडिया कि अच्छा मैंने ये किया तो मार्क्स इतने बढ़े. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. कुछ क्वेश्चंस जैसे 10-15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उसे अगर सोल्व करता हूं तो जनरली 5-6 लाइंस में कंप्लीट हो जाते हैं. तो क्या इस पे भी कुछ स्टेप मार्किंग से क्या? यार एज पर आई नो अगर स्टेटमेंट लिख के सॉल्व किया तो स्टेप मार्किंग का तो क्या ही है यार. मतलब अगेन किसी को आइडिया नहीं है इस चीज का, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने कभी बताया नहीं है. बट यूपीएससी की जो कॉपी मिलती है ना एग्जाम में, वहां पे ऊपर लिखा हुआ है कि मार्क्स स्टेप के भी मतलब है, क्लैरिटी के साथ आंसर लिखने के भी है. जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे ना, जब आपको एग्जाम में मेंस की कॉपी मिलेगी मैथ्स ऑप्शनल की, तो ऊपर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि क्लैरिटी के लिखने के भी नंबर है. तो ट्राई टू राइट इट स्टेप वाइज, थोड़ा स्टेटमेंट अच्छे से लिख दो. पर यार ये सारे क्वेश्चन में कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगेन क्योंकि पेपर मैक्सिमाइज करना है अटेम्प्ट को, ठीक है. तो जहां पे कर सकते हो वहां पे करो, जहां पे नहीं हो रहा है 10 मार्कर्स में अवॉइड करो, 15 मार्कर्स, और अगर कोई 20 मार्कर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पे जरूर कोशिश करो कि ये चीज करो. ओके थैंक यू सर. हेलो गुड आफ्टरनून. हेलो गुड आफ्टरनून सर. आई हैड वन डाउट रिगार्डिंग करंट अफेयर्स revision that currently I am following monthly magazines and newspaper, and apart from following a daily quiz. So I wanted to ask that how should we go about revising these? Yeah, this is a mathematics session, so I would like to entertain mathematics doubts rather than GS portion. I'm really sorry for this. I'll again take a GS session myself. Wahan pe we'll talk about this. Okay, sir. Hello, sir. Hello, sir. Sir, yes. From January to June, how you managed maths? January to June, matlab prelims ke pehle basically you want to ask, right? Yes, sir. See, prelims ke pehle maths ko manage karne ka ek tarika ye hai ki you have to keep studying all your weak topics, theek hai, aur regularly revise karte raho, jo bhi lage ki ye bhul gaya hai. मतलब मैंने क्या किया था कि मैं ग्रुप पे एक्टिव था, ठीक है, मैथमेटिक्स के डाउट ग्रुप्स हैं, G20 है, मैथोक्रेट है, ये दोनों ग्रुप्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पे लोग अपने डाउट्स पूछते हैं और काफी सारे लोग उनको सॉल्व करते हैं, तो मैं उधर एक्टिव रहता था. काफी सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर खुद पोस्ट नहीं करता था, बट आई यूज टू सी दोज क्वेश्चंस और याद करता था क्या मेरे से सॉल्व हो पाएगा. अगर लगता था कि यार इशू है थोड़ा, तो मैं लिख करके देखता था. अगर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, मतलब मैं कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, तो आई यूज टू गो बैक एंड रिवाइज. इस तरह से आई वॉज एक्टिव लाइक इन जो है प्री जो है प्रीलिम्स फेज. इसके बाद क्या है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं. रश शुरू हो जाता है कि टेस्ट देने हैं, टेस्ट को एनालाइज करना है, एटसेट्रा. तब ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं. सर मेंस थ्रू आउट मतलब टिल द प्रीलिम्स वी हैव टू बी एक्टिव इन मैथ्स? नहीं नहीं नहीं, देखो एक डेढ़ महीना पहले तो आप मैथ्स छोड़ोगे ये नहीं आओ, ठीक है. एवरीवन डज दैट. मिनिमम डेढ़ दो महीना पहले हर कोई छोड़ देता है. तो करना ये है हमको कि जब हम अभी छोड़े हुए हैं ना मैथ्स डेढ़ महीने से, तो प्रीलिम्स के अगले दिन मैथ्स ही पिक करनी है. और जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट ना आए ना, मैथ्स को एकदम अच्छे से कवर कर लेना है. क्या होगा ना, पहले दिन जब प्रीलिम्स के बाद हम मैथ्स का कॉपी उठाते हैं या फिर कुछ भी उठाते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन लगता है ये नहीं हो पाएगा. ये सबके yes, साथ होता है. तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो यू आर नो एक्सेप्शन. मुझे भी यही फील होता है, फील हुआ था, ठीक है, कि यार कुछ नहीं आ रहा है. ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन रॉल्स थ्योरम का था एंड आई वाज नॉट इवन एबल टू सॉल्व इट. तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है. बट इन अ वीक जब इजी टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हो ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं. क्योंकि भूला नहीं है वो, बस प्रैक्टिस से चला गया है, तो वो वापस से रिकॉल हो जाएगा. यार क्या है कि बहुत सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली माइंड की एक कैपेसिटी है
टू रिटेन, तो लोड नहीं लेना है उस चीज का. थैंक यू. वन मोर क्वेश्चन. सर पेपर टू में लाइक हम मॉडर्न अलजेब्रा और पेपर वन में स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के टॉपिक को हम कितना छोड़ा जा सकता है फॉर टारगेटिंग 320 प्लस मार्क्स. आई वुड से कि अभी जो 320 मार्क्स है ना वो बिना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए आ नहीं आ सकते यार. ठीक है 320 प्लस okay. इस बार आई थिंक दो लोगों के आए हैं. ठीक है इफ यू टॉक टू दोज टू पीपल दिल से द सेम. ठीक है मेरे 306 मार्क्स हैं. आई हैव नॉट लेफ्ट एनी पोर्शन और मुझे लगता है कि 300 प्लस जिसके भी आए हैं ना उसका सेम जवाब होगा. हेलो सर. ओके सर. सर आपने लाइक मतलब मॉडर्न अलजेब्रा और स्टैटिक्स डायनेमिक्स में कितना टाइम डिवोट किया था? यार एक चीज बताता हूँ मॉडर्न अलजेब्रा में ना मेरा जो सही बताओ तो शुरुआत में कॉन्सेप्ट बहुत वीक था. ठीक है मेरे पहले अटेम्प्ट में आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन मॉडर्न अलजेब्रा. उसके बाद जब मेरे पहले अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं हुआ सो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि कोविड का सेकेंड वेव आ गया था. तो एट दैट टाइम ना मैंने मॉडर्न अलजेब्रा पे बहुत ज्यादा कमांड बनाई. ठीक है तो दैट हेल्प मी इन सेकेंड अटेम्प्ट कि मॉडर्न अलजेब्रा पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की उसका आउटपुट मुझे मिला. तो आई वुड से कि अगर कोई टॉपिक वीक है और खुद पे कॉन्फिडेंस है तो ट्राई करो कि उसको मास्टर कर लो बिकॉज दैट रियली हेल्प. ओके सर. हेलो सर. मतलब आप जैसे आपने बोला कि आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें ऐसी चीज क्या थी जो मतलब आप सजेस्ट करोगे कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मैथ्स ऑप्शनल के रिगार्डिंग या आपसे जो गलतियां हुई या जो आप रिकमेंड करेंगे कि नहीं होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी? यार कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना पेपर में. ठीक है कम पेपर अटेम्प्ट करो लेकिन परफेक्टली अटेम्प्ट करो पेपर को. आई डिड अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स. 90 प्लस मार्क्स की कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी मैंने. ठीक है अब 90-95 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आप गलत करके पेपर में आ रहे हो ना कैलकुलेशन वो भी तो यू फेस अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. इसलिए फोकस ऑन रिड्यूसिंग कैलकुलेशन मिस्टेक. ठीक है ट्राई करो अगर 10 मिनट है और 15 मार्कर अटेम्प्ट करने हैं जो ज्यादा कैलकुलेटिव हैं तो एक ही 15 मार्कर अटेम्प्ट करो लेकिन सही करो. सर पहले 15 मार्कर्स या 20 मार्कर्स को अटेम्प्ट किया था आपने या फिर 10 मार्कर्स को पहले अटेम्प्ट किया था? यार देखो पहले दोनों कंपलसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था मैं तो फर्स्ट और फिफ्थ. इसके बाद 3 क्वेश्चन चूज कर लिए उसमें से जो भी अटेम्प्ट करना हुआ कर लूंगा. मतलब उसमें कोई ऑर्डर नहीं रहता उसमें डिपेंड करता है कि मैं किसमें जो है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ. मैं एक्चुअली कंफर्टेबल पोर्शन को जल्दी से जल्दी खत्म कर लेता था ताकि पेपर में कॉन्फिडेंस आए. ठीक है पेपर में भी कॉन्फिडेंस की जरूरत है यार. पहले 1.5 घंटे में जो आपने किया है ना वो अगले 1.5 घंटे के लिए कॉन्फिडेंस देता है. ओके सर एक्चुअली क्या होता है ना अगर टफ चीज लास्ट जो नहीं आती एकदम या जिसमें डाउट है कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा अगर उसको लास्ट के लिए छोड़ दो तो टाइमिंग कंस्ट्रेंट की वजह से ना वो हो नहीं पाता सही से. तो एक ये इसलिए कि उस जो टफ चीज है उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए जो इजी चीज है उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए. नहीं जो इजी चीजें हैं देखो क्योंकि यार पहली चीज तो ये ना टफ का मालूम भी नहीं एग्जाम में अटेम्प्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. ठीक है क्या पता तुमने कोशिश की और नहीं सॉल्व हो पाया तो इसलिए ट्राई करो जो भी तुम्हारे हाथ में है जो भी इजी चीजें हैं वो पहले कर लो. कॉन्फिडेंस बनता है उससे एग्जाम में कि आई हैव ऑलरेडी डन दिस मार्क्स ऑफ क्वेश्चन इन फर्स्ट आवर अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि आई विल कैरी दिस टू नेक्स्ट आवर. एग्जाम में यार सी अगर क्वेश्चन टफ है और सॉल्व नहीं हो रहा है ना तो एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है रिमेम्बर दिस. इसलिए कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अपने मार्क्स पहले 1 आवर में या पहले 1.5 आवर में करने की. उसके बाद पेपर थोड़ा फेवर में चला गया ना तो यू विल ऑल्सो डू दोज क्वेश्चन जो शायद आपसे नहीं हो पाते एग्जाम हॉल में. ओके सर. सर टेस्ट सीरीज में पेजेस जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं तो एग्जैक्टली मेंस में 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए कितना स्पेस होता है और 15 मार्कर क्वेश्चन के लिए कितना स्पेस होता है? वो यार यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पे है वो 2 या 3 कुछ भी दे सकते हैं पर एक चीज मैं बता देता हूँ जो वेरी करता है और स्पेस मैटर नहीं करेगा यार. आई टेल यू बहुत स्पेस होगा तुम्हारे पास क्वेश्चन सही सॉल्व करना आना चाहिए बस.
सर बट मतलब अगर बाई चांस हमने स्टार्टिंग में कुछ गलत किया उसके बाद उसको सही करने का हमारे पास वो नहीं होगा ना इसको वो है स्पेस है मैं बता तो रहा हूँ अगर आपने जो है शुरुआत में दो चार स्टेप गलत लिख दिए फिर आपको काट के सही करना है उससे उतना स्पेस होता है ओके हेलो सर थैंक्स अ लॉट यस हेलो सर अभी मैं सर फाइनल ईयर में हूँ और सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ सर तो सर पेपर जो पेपर आते हैं यूपीएससी में सर उसको मैं देखता हूँ तो 30-40% पेपर मुझे आते हुए लगते हैं तो सर अभी शुरुआत करना तो फिर सर क्या करें तो ऑप्शनल यार वही है धीरे धीरे कोर्स कवर करने की कोशिश करो यू विल अंडरस्टैंड कि जो है क्या चल रहा है ठीक है धीरे धीरे चीजों को कवर करने की कोशिश करो अभी यस सर जैसे लगता है ग्रेजुअल प्रोसेस आई वांट टू से तो सर ऑप्शनल मैथ बेटर रहेगा सर यार अगेन ये आपकी कॉल होनी चाहिए आई कैन ओनली सजेस्ट यू नो व्हाट योर प्रिपरेशन लेवल इज इसलिए ट्राई टू गो फॉर एनालिसिस अगेन ट्राई करो वे करो कि क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं कितने मार्क्स में गेन कर सकता हूँ कितने जीएस में लूज करूंगा देन ओनली डिसाइड ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है थैंक यू सर हेलो सर जनरली हाउ मच टाइम इज नीडेड सेल्फ स्टडी पर डे टू कवर मैथ सिलेबस एज ऑप्शनल आई ऑलरेडी टोल्ड 8 months एंड 3 hours डेली Sir, I saw your ethics score, which was 105, which is a phenomenal score. So, what worked in favor? What exactly did you do apart from, let's say, hiding examples or something? Yeah, we are not discussing GS portion right now. So, I would suggest you to please ask math doubts if you have, because this session is focused on that. Hello, sir. Sir, I have a doubt regarding maths. सर मैंने मेंस दिया था तो आई गेट 210 बट उस अटेम्प्ट में आई वाज मतलब नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मॉडर्न अलजेब्रा एंड सम फिजिक्स पोर्शंस दैट आई नो बट जैसा आप अभी बता रहे थे कि या तो मैथ्स ऐसा ऑप्शनल है या तो बना देगा या डुबो देगा तो व्हाई इज इट सो मतलब इन कंपैरिजन टू अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट मतलब आपके पहले तो अच्छे मार्क्स आते थे मैथ्स में बट रिसेंट ट्रेंड्स देखे हैं 2-3 साल में तो क्वेश्चंस भी रैंडम हो रहे हैं और स्कोर भी उतना कंपैरेटिवली नहीं आ रहा है तो व्हाई इज इट सो यार डिस्पैरिटी ऑप्शंस में ज्यादा थी उसको यूपीएससी ने रिड्यूस किया है ठीक है अब अगेन व्हाई का आंसर यूपीएससी दे सकता है सिर्फ ठीक है वी आर नियर मॉर्टल जो एग्जाम दे रहे हैं आई हैव क्लियर्ड मेनी ऑफ यू विल क्लियर इन कमिंग इयर्स बट नो वन हैज आंसर्ड टू दीस क्वेश्चंस अल्टीमेट गेम यही है कि अपने को यूपीएससी जो भी बॉल फेंक रहा है उस पे यू हैव टू सी बॉल कैसी है एंड यू हैव टू हिट इट ठीक है विथ योर बैट अब द पॉइंट इज कि वो कैसे करना है दिस इज ऑन यू तो यू हैव टू प्रिपेयर मैथ्स के सारे टॉपिक अभी मॉडर्न भी और फिजिक्स के पोर्शन भी बिकॉज क्वेश्चन ऐसे फंसा रहा है कि अगर आप किसी पोर्शन को प्रिपेयर नहीं करके गए तो यू लूज मार्क्स यस सर यस अब जैसे जो आप चूज करने वाले ऑप्शंस क्वेश्चंस आते हैं उनमें ऐसा हो रहा है कि कुछ एक क्वेश्चन में फिजिक्स का एक क्वेश्चन को साथ देंगे एक पार्ट को साथ देंगे और अगर नहीं आता तो वहीं पे आप यू विल लूज मार्क्स यस सो मतलब मेरा व्हाई दे आर डूइंग इट बिकॉज़ व्हाई दे आर डूइंग इट बिकॉज़ दे नो कि आप उनके उनको समझ चुके हो उनके पेपर पैटर्न को और यूपीएससी ऑलवेज वांट्स टू बी अनप्रेडिक्टेबल टू द पीपल ठीक है तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब उस क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट किया जाए बेस्ड ऑन मतलब क्या आपका जो प्रिपरेशन लेवल है जैसे सपोज 3 parts आते हैं तो अगर आपको सपोज 2 parts आते हैं क्वेश्चन में एक पार्ट नहीं आता है मतलब और सपोज एक क्वेश्चन 30 marks का आता है और एक में 35 का आता है बट एक जो 35 marks वाला है वो लेंथी है and 30 marks आप जल्दी कर लेंगे तो is it better to lose 5 marks and save time
हियर डिपेंड्स अगेन ऑन हाउ मच ऑफ टोटल पेपर यू आर नोइंग. ठीक है, अब अगर टोटल पेपर में लगभग बाकी चीजें आती हैं, बस वही 20 मार्क्स का गेम है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर 30 मार्क्स. ठीक है, क्योंकि फिर बाकी पेपर थोड़ा सिक्योर हो जाता है. लेकिन अब और भी जगहों पे कहीं ना कहीं आप कोई 10 मार्क्स ऐसे 10 मार्क्स लूज कर रहे हो, तो फिर गो फॉर 35 मार्क्स. अपने को स्कोर मैक्सिमाइज करना है विथ एक्यूरेसी, तो ये कोशिश करनी है कि एक्यूरेसी ना कॉम्प्रोमाइज हो ज्यादा अटेम्प्ट करने में, क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू ना, एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होगी नंबर नहीं आएंगे चाहे कितना भी पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर लो. हाँ जी सर, वही हो रहा था. चलिए ठीक है, थैंक यू अर्पित फॉर योर इनपुट. सर आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बता रहे थे, जैसे आपने बोला फिजिक्स के टॉपिक्स, फिर वेक्टर एनालिसिस, ओडीपी, तो उसको मतलब थोड़ा आगे और बता दीजिए कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हिट रेट अच्छा हो सकता है पूरा पढ़ने में. सर हिट रेट एक्चुअली जो है ना, मैक्सिमम टॉपिक्स इजी है. मैं ये बता देता हूँ कि किन में हिट रेट अच्छा नहीं है. अगर आप अभी इस मोमेंट पे पढ़ रहे हो और आपका मेंस जो है 50-60 दिन बाद मेंस है, तो मैं बता देता हूँ कि 50-60 दिन बाद मेंस है तो कौन सा टॉपिक है जो नहीं पढ़ना है अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका आउटपुट कम है. वो है मॉडर्न एलजेब्रा. इवन इफ यू रीड अ लॉट, आउटपुट बहुत कम आएगा. दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स. अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो यू कैन नॉट लाइक चेंज इट, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको यूपीएससी ने अपने ऑप्शनल में छोटा सा पार्ट बना दिया है. ठीक है, अब क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है लोगों को, वो एमडी राय सिंघानिया के 2-4 एग्जांपल्स रट के चले जाते हैं, डिटेल सॉल्व, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ये दोनों ऐसे टॉपिक्स है ना जिनको मुझे लगता है कि अगर अभी तक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यू कैन नॉट चेंज अलॉट. ठीक है, ट्राई टू फोकस ऑन स्मॉल एरियाज जहां से 10 मार्कर्स आते हैं वो अच्छे से कर लो. फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड में कंटिन्यूटी वाले पोर्शन से 10 मार्कर्स आते हैं, तो वो आप फोकस करके वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो 10 नंबर. पर जो 15 मार्कर्स या 20 मार्कर्स फ्लूइड के आते हैं वो बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं होंगे यार. अगेन मॉडर्न अलजेब्रा में सेम चीज है, 10 मार्कर्स इस बार थोड़े टफ आए थे. ठीक है, पहला ही क्वेश्चन बाउंसर गया था मैक्सिमम लोगों को, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि हर साल इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो 10 मार्कर्स के लिए प्रिपेयर करो, साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, इन सब के जो थ्योरम्स है वो प्रिपेयर कर लो. जनरली यही आता है 10 मार्कर्स में. हेलो सर, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप ही डिस्ट्रिक्ट से, तो मिल सकते हैं सर? मैम दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड हियर. ओके, I've not been meeting people in last few days because of various health issues. So I would suggest you to wait for some time. I might be hosting an auditorium session in Gorakhpur itself. Then we can meet there. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Hello, sir. Sir, I have a doubt to choose maths as optional, but yes, sir. क्या मैंने BSc ऑनर्स मैथ से ही किया है, पर मुझे अभी भी डाउट हो रही है कि मैं ऑप्शनल के रूप में से लूँ या ना लूँ, तो बेटर क्या रहेगा अगर मैं ह्यूमैनिटीज के अदर कोई सब्जेक्ट लेती हूँ या फिर मैथ्स लेती हूँ, तो दोनों में बेटर कौन सा रहेगा सर? यार बेटर यू विल हैव टू डिसाइड अगेन. मतलब यार आई कैन नॉट डिसाइड इट फॉर यू. मैं किसी और के लिए उसको ऑप्शनल नहीं डिसाइड कर सकता. आई कैन ओनली सजेस्ट कि ये चीज है मैथ्स में जो पॉजिटिव है, ये है जो नेगेटिव है, ये ह्यूमैनिटीज में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. डिसीजन आपको लेना है बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ जो है अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स एंड योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट. ओके सर, थैंक्स. गुड आफ्टरनून सर. नविशा इज प्रोबेबली सेइंग समथिंग. हु इज नविशा? हाँ यस हरी, यू आर सेइंग समथिंग. गुड आफ्टरनून सर. यस गुड आफ्टरनून. हाँ सर, मैं जिससे पेपर टेस्ट पेपर अगर अटेम्प्ट करता हूँ तो 200 अटेम्प्ट करने के बाद अगर 50 मार्क्स से क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या मैं 3-4 लाइंस जितना भी लाइंस आते हैं वो लिख कर मैं छोड़ सकता हूँ क्या पेपर में? यार मतलब अभी जो है यू कैन डू दिस, बट यार इसका क्या रिपरकशन होंगे ये नो वन नोज. ठीक है, और सर मतलब ये सब डार्कनेस में है.
और सर जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आंसर को कोई डिफरेंट कलर से मतलब हाईलाइट भी कर सकता हूँ ऐसा कुछ यार टाइम नहीं होता एग्जाम में ठीक है अभी ये सब चीजें ये थॉट आते हैं लेकिन जो है कुछ टाइम के बाद ना यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये चीजें हो नहीं पाती हैं ठीक है सो बेटर नॉट टू थिंक ऑफ इट ओके ओके सर थैंक यू अर्पित सर आपकी मार्कशीट देख रहा था मैं तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर वन में 143 स्कोर है आपका और पेपर टू में 163 है और जबकि अभी अभी जो बात हुआ है उसमें डिसाइड हुआ कि मॉडर्न अलजेब्रा फ्लूइड मैकेनिक्स रियल एनालिसिस ये सब पेपर टू के टॉपिक है तो सर लास्ट में जो वन वीक का प्रिपरेशन टाइम रहता है उसमें आपने कुछ ऐसा एक्सेल किया था क्या पेपर टू के रिगार्डिंग या पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर पेपर टू के लिए स्ट्रिक्ट होके बैठे थे कि मेरे को पेपर टू में पूरा जी जान लगा के देना इसके बारे में थोड़ा देखो अभी एक चीज बताता हूँ पेपर वन में क्या है ना कैलकुलेशन मिस्टेक्स प्रोन पेपर है ठीक है तो पेपर वन से मैं मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रहती है क्योंकि पेपर वन में यार कॉन्सेप्ट कम कैलकुलेटिव पावर ज्यादा चेक होती है और मेरी वो थोड़ी सी वीक है ठीक है मैं कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में छोटी छोटी गलतियां कर देता हूँ पेपर टू से मुझे उम्मीद ज्यादा इसलिए थी बिकॉज कॉन्सेप्चुअल पेपर है बाकी लोग टैकल नहीं कर पाते हैं बट मेरी स्ट्रेंथ थी वो ठीक है मैंने लास्ट के एक वीक में जो वो जस्ट पहले वाला होता है ना ये ऑप्शनल के पहले वाला 5 दिन का गैप उसमें मैंने पूरा पोर्शन रिवाइज किया था बट आई हैड स्पेशल फोकस ऑन रियल एनालिसिस पार्ट एंड फ्लूइड मैकेनिक पार्ट क्योंकि ये भूलता है मुझे बार बार मतलब मॉडर्न अलजेब्रा इज समथिंग जो कि मैंने अच्छे से पढ़ ली थी तो नहीं भूल रही थी फिर भी बट रियल एनालिसिस के जो थ्योरम्स हैं वो मेरे को बार बार भूलते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स के जो ये वाले पार्ट हैं जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं ना वो मुझे बार बार भूलते हैं ऑल्दो उतनी चीजें एग्जाम में आई नहीं जितनी मैं पढ़ के गया था फ्लूइड मैग्नेटोमेट्रिक मोशन एक्सेट्रा लेकिन वही है कि उस यू डोंट नो बिफोर द पेपर व्हाट विल कम सो आई प्रिपेयर्ड दीज टू पोर्शन थरोली बाकी पोर्शन आई सिंपली रिवाइज सर इसी से एक सवाल और है दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपने बताया पेपर टू का आप ये किया था रियल एनालिसिस और फ्लूइड मैकेनिक्स सर हम जब पेपर में बैठते हैं बोलते हैं कि पेपर लेंथी भी बहुत आता है तो उसके लिए क्या हम ये कर सकते हैं क्या देखिए रिवाइज तो कितनी बार करेंगे वो तो हमारी एबिलिटी बनती चली जाएगी लेकिन कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सेट ऑफ क्वेश्चन है जो हमें पता होते हैं गट फीलिंग है कि इस टाइप का आ सकता है उनको क्रैम करके जा सकते हैं क्या सर कि वो ऐसा पूछाएगा तो मैं वैसा कि वैसा उतार दूंगा पेपर में टाइम रिड्यूस करने के कि हम पेपर को अटेम्प्ट कर पाए आई अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या है ना कि 2018 तक ये जो चीज आप अभी पूछ रहे हो ना ये एडवाइस करते थे टॉपर यू कैन डू दिस ठीक है 2018 तक ये टॉपर्स एडवाइस करते थे ठीक है अभी यू माइट एवरीवन माइट बी नोइंग अनुभव सिंह ठीक है ही इज द हाईएस्ट स्कोरर इन मैथमेटिक्स इन लास्ट 10-15 इयर्स ऑफ हिस्ट्री ठीक है तो ही गॉट 375 मार्क्स तो क्या है कि उन्होंने ये चीज शुरू में जब 2017-18 में उनके टॉपर सेशंस होते थे तो उन्होंने एडवाइस की थी कि ये चीज आप कर सकते हो कुछ जगहों पर बट मैंने जो है लास्ट अटेम्प्ट में अभी सेकेंड वाले अटेम्प्ट में अपने उन्हीं से एडवाइसेज ली मैथ्स को लेकर के तो ही ऑलवेज यूज टू से कि ये चीज मत करना अभी पेपर चेंज हो चुका है ठीक है तो अब मैं अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू की जगह सर का ही पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि यार अब जो है ना चीजें चेंज हो चुकी हैं क्रैम करने से अगर आपको लगता है कि एग्जाम में फायदा होगा तो जाओ बट मैं पर्सनल लेवल पे बता दूं मुझे नहीं लगता है कि फायदा होगा और सर ने भी मुझे यही चीज एडवाइस की थी तो आई डिड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बैकग्राउंड पूछा जाता है कि आपने पहले इंजीनियरिंग छोड़ के आ रहे हो फिर मैथमेटिक्स में लेकर के सिविल सर्विस में क्या सिग्निफिकेंस है वो सब सर कोरिलेट अगर कर पाए तो आप थोड़े कम टाइम के यार कुछ नहीं होता मैं सही बता रहा हूँ जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन है यार ठीक है सामने वाले इंसान को तुम्हारे ऑप्शन से फर्क नहीं पड़ता यू टेक एनी ऑप्शनल दे लास्ट क्वेश्चन ऑन इट मैथमेटिक्स तो यही पूछ लेते हैं कि डिफिकल्ट ऑप्शनल क्यों लिया मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है आपने एंड यू हैव गॉट वेरी गुड पीजीपीए यू माइट बी द अमंगस्ट द टॉपर्स ऑफ योर बैच
then two you took mathematics as an optional and even asan subject nahi liya jo humanities ho sakta hai mathematics liya jo toughest mana jata hai so the question was do you love to play with challenges so my answer was that sir I might be loving to play with challenges but abhi ye jo maine optional liya hai ye koi challenge mein nahi liya hai I simply wanted to get good marks aur ye mera optional jo hai strong tha मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग था तो आई टुक इट एज एन ऑप्शनल तो क्या है कि आई डोंट नो कितना रोल प्ले किया होगा बट द पॉइंट इज जो आपका आंसर है टू द क्वेश्चन दैट प्लेज रोल नॉट योर ऑप्शनल इटसेल्फ ठीक है और यार कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि आपका ऑप्शनल मैथ्स है कि सोशियोलॉजी है पर्सनैलिटी अच्छी है तो नंबर मिलेंगे जी सर 193 मार्क्स के बेसिस पे आपसे ये सवाल पूछा जाएगा थैंक यू सो मच सर Thank you. I just want to add one point regarding ye jo naya questions are the kind of question that I've been asked. Certainly there are certain areas jahan pe questions repeat hoga aur 30% ke aas pass tumko questions repeat theek hai jitno questions repeat last year bhi dekhoge differential equation ke question directly orthogonal question hai ya vectors pe questions hai And some questions was directly from my test vector divergence theorem. That is just a coincidence. What is more important is that you should know the story behind those previous year questions. Hai, uska concept pata hona chahiye. If you having thorough understanding of concepts of everything mentioned in the syllabus, you are very safe. That is not the case. Because aas paas puchta hai. Wahi sheets mein tumko wahi feel. If you analyze the sheets, which we ask people to do in the class. ट्रेंड सबको मैथमेटिक्स ले रहे थे Until unless you should understand the bar. Bar is very high in mathematics. And who are the people who are competing with you? And compete with them. The theorem of relativity. So, in relation to others, how you are faring? और लोग ये भी बात कर रहे थे about presentation. तो बहुत cryptic answers दिखते हैं. They write very short. उनका मैंने देखा UPSC में marks कम आया. If you are not elaborating, if you are not trying to express vociferously, जो आप लिख रहे हो, if you are not articulating well, then chances are that examiner may deduct marks. Some of the people whom my copies I have checked, I have to find. उन्होंने क्या critically लिखा? They are written right, but बहुत सारे steps हैं, बहुत चीजें नहीं हैं. So certainly common sense यही कहता है कि जो UPSC में examiner check कर रहा है, he will not take all the pains, the pain that I am taking here. ठीक है, so he may deduct few marks. Really, not. तो किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर सर मैथ्स yes, के hello. जो सिलेबस होते हो किस मंथ तक कंप्लीट कर लेने चाहिए यार आई वुड सजेस्ट यू टू कंप्लीट अभी देखो अगले साल मई में है आई थिंक प्रीलिम्स आपका तो आई वुड सजेस्ट कि जनवरी तक जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए फरवरी में ट्राई टू रिवाइज सम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि आप भूल गए हो और कुछ एक आध अगर प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं तो वो दे लो उसके बाद यू कैन अगर पहला अटेम्प्ट है तो यू कैन लीव मैथ एंड 3 महीने पूरी तरह से प्रीलिम्स को दो बिकॉज अभी प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो चुका है ठीक है कुछ भी कर रहे हैं ये लोग तो कॉन्फिडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है प्रीलिम्स स्टेज पे ओके सर ओके थैंक यू हेलो सर मैं गुजरात से हूँ और मैंने गुजराती मीडियम से पढ़ा और इंग्लिश मेरी बहुत सारी वीक है तो इंग्लिश इम्प्रूव के लिए क्या करूँ यार आई डोंट थिंक कि अभी जो है इंग्लिश इम्प्रूव कर पाना पॉसिबल है ठीक है ट्राई टू फोकस ऑन अगेन द कंट्रोलेबल आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट ठीक है गुजराती इफ योर गुजराती इज गुड एंड इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है तो ट्राई टू रीड थिंग्स इन इंग्लिश मेक your notes in Gujarati and give the exam in that. See, मैं personal level पे बता दूँ, as far as I know, restriction नहीं है language की UPSC में कभी You can give exam in any medium and clear it. UPSC only demands knowledge. वो किस form में आ रही है, किस language में आ रही है, वो उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है.
सिलेबस कंप्लीशन के बारे में बात कर रहा है, जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट. कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव वर्ड. व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से सिलेबस कंप्लीट है? फॉर मी इट इज यू शुड बी एबल टू डू ऑल क्वेश्चन. दैट इज कंप्लीटनेस, दैट इज टोटल अंडरस्टैंडिंग. सिलेबस का तीन अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है. वन इज बेसिक लेवल, अनदर इज मीडियम लेवल, एंड the last is your ultimate level. And I think it is impossible to attain ultimate level in all syllabus. So if you even go by average level, you will be getting certainly beyond 252. So that is the point. You have to understand the depth of UPSC, where they are asking questions, why they are asking those questions, and what is the demand. So this is a very vague term that you finish syllabus in mathematics. How do you finish syllabus in mathematics? When you are very comfortable with each and every question that is thrown at you, and you juggle with it very easily, then you will be in a situation where you can say that you are in control of the subject. And beyond all this, you have some extraneous errors like calculation mistake. I know some student, they are extremely good, but they couldn't perform an examination day. So that also happens. So you have to in the process. Sir, Arpit sir ka face nahi dikh raha. Face nahi dikh raha. is that a concern here? yes, you can ask your query here. The question. Sir, ek baar dikha dijiye sir. एक बार शक्ल दिखा. ओह माय गॉड, इज दैट ऑफ अ कंसर्न? ओके वेट, आई विल बी आस्किंग. तो अभी फाइन है? हेलो जी सर, ऐसे रियल फीलिंग हो रहा है. अच्छा अच्छा, मान यू मेड मी लाफ. यस, एनी अदर डाउट? People were asking doubts in the comment section. Can you please speak, because I'm not able to read all the comments. Devashi is asking, how can I know I am in the right track? Okay, so Devashi, you have to simply track your progress through tests. Iske alawa aur koi tarika nahi hai. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्रैक करो, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, मैथ्स हो, यस यस, समवन इज सेइंग समथिंग. हेलो हेलो, कोई तो कुछ बोल रहा था अभी. सर, हाउ कैन आई मैनेज माय जीएसएम ऑप्शन इनटेक अप्रोच? How can I manage? Ask. Yes, GSM optional paper both. Here again, we discussed कि GS और optional को देखो prelims से पहले manage करना बहुत आसान है. Give daily three and a half hours to mathematics या जो भी optional है, and GS को जो भी remaining time बचता है वो दो. After prelims चीजें बदल जाती हैं, ठीक है? Maths is something which requires more than 50% of your time. और जीएस पोर्शन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है. वो कितना करना है वो डिपेंड करेगा आपकी जीएस के प्रिपरेशन पे. सर, आई एम करंटली स्टडिंग इन माय कॉलेज सेकंड ईयर, एंड हाउ कैन आई स्टार्ट आवर पेपर? ओके, हाउ कैन यू स्टार्ट? व्हाट यू आर आस्किंग, हाउ कैन आई स्टार्ट पेपर? How can I start my preparation? Okay, so you are having mathematics optional, I assume. Mera optional geography. Here, actually, we are discussing math optional doubts here. So, I think it would not be good to discuss this here. I'll keep another session for GS people, okay? So there we can discuss other optionals and GS together.
वैसे एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड कि अभी ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल हो या कोई भी ऑप्शनल हो, सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में प्रिपरेशन मत शुरू करो अगर चार साल का कॉलेज है तो, ठीक है यार. क्या होता है ना, दिस प्रिपरेशन इज वेरी फटीग प्रोन. जितना जल्दी शुरू करोगे ना, आसान होता है जल्दी शुरू करना, पर फटीग आने लगता है एग्जाम के क्लोज आने पे. इसलिए ट्राई करो, प्रिपरेशन तब शुरू करो जब इन नेक्स्ट एटलीस्ट 24 मंथ आप पेपर देना ही देना हो, ठीक है. 24 महीने से ज्यादा का प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए किसी भी अटेम्प्ट को देने से पहले, क्योंकि फटीग जब आने लगता है देन जो है ये प्रिपरेशन चौपट हो जाती है. सर पहले विनीता, हाँ कोई तो कह रहा था Redmi 9 है, हाँ बोलो सर. आप प्रीलिम्स की कोई पर्सनल स्ट्रेटजी आपकी? Prelims, we are not discussing here. वही तो, I'm saying, we are discussing math. ठीक है, अभी math के doubts हो गए क्या लोगों के? जी सर, अभी participants से था रहे हैं. Hello sir. Hello. Sir, math में step marking बताइए क्या? अच्छा, math में यार step marking actually होती नहीं है, जो मेरा experience है उससे बता रहा हूँ. क्योंकि यार अगर मैथ्स में स्ट्रिप मार्किंग होती तो मेरे पहले अटेम्प्ट में जो मार्क्स आए उससे एटलीस्ट 20 मार्क्स ज्यादा आते. मैंने कुछ लोगों और लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि उनको कुछ जगहों पे, एक दो जगहों पे उनको ऐसा फील हुआ कि उनको दो तीन नंबर मिले थे 15 मार्कर्स में. बट अगेन यार ये थोड़ा मिथ है कि जो है स्ट्रिप मार्किंग है. पेपर वन में तो बिल्कुल नहीं है ये, एकदम मैं श्योर हूँ 100%. पेपर टू में भी मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रिप मार्किंग हो रही है लास्ट टू ईयर्स पे एटलीस्ट, जो मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए हैं. बाकी यार सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन पे है. कुछ टॉपर्स बोलते हैं हो रही है, सामने से बहुत डार्कनेस है. यूपीएससी डज नॉट टेल कि ऐसा कर रही है वो कि नहीं कर रही है. हेलो सर, एक डाउट और है सर, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, ये डाउट ये है कि जब हम करने लगते हैं ना, सिलेबस कर रहे हैं आपके टाइम पे, तो जिन रेफरेंस सोर्सेज का, जिन नोट्स का या जिन यूज कर रहे हैं उसमें कुछ लिखा हुआ है सर, नोट्स बनाने में मैं मतलब इतना लेजीनेस है कि मेरा माइंड नहीं करता कि मैं यार इस चीज का नोट्स बनाऊँ, इस चीज का नोट्स बनाऊँ. अगर मेरा पेन उठेगा तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उठेगा, लेकिन उसको देख करके जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है ना तो सर वो रिकॉल करने में एक प्रॉब्लम होता है यार, फर्स्ट पेज पे क्या किया था, अभी कहाँ पहुंच गया, उसके कौन से क्वेश्चन बनाए थे. तो सर कंसोलिडेट करने का सारी चीजों को, मतलब कोई एक चैप्टर है उसको लास्ट में कंसोलिडेट करने का, उसका पता है. Okay. मतलब this is probably the one of the best questions asked in this session. ये बहुत ही common problem है which everyone might be facing. क्या होता है ना कि हम move on करते रहते हैं one subject to second subject और हमको पिछले वाले subject को consolidate करने में होती है problem. अब इसमें we have to do something, right? तो हमको सबसे important चीज क्या करनी चाहिए कि we should be present at some platform जहाँ पे questions discuss हो रहे हों, ताकि आप अपनी previous progress को track कर रहे हो कि जो पहले पढ़ा था उस पे क्या progress है, क्या आप अभी जो है वो चीजें याद रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो. दूसरी चीज, आपको consolidate करना पड़ेगा अपनी knowledge को. उसके लिए आप जब भी जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो आपको लगता है कि अभी आपसे हो गया है बट इन फ्यूचर आप उसको भूल सकते हो, तो अपने लिए हिंदी में एक नोट लिखा करो या इंग्लिश में, जो भी आपका लैंग्वेज है यार, मदर टंग जो भी है, क्योंकि वो फील आती है देख करके. मतलब यू जैसे आई यूज टू राइट ए नोट इन हिंदी, ठीक है, कि जब भी इस क्वेश्चन को दोबारा देखना एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये तीन चार लाइन का आपने नोट लिखता था खुद के लिए ही मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त. जब भी मैं बाद में उसको देखता था ना तो आई यूज टू इंस्टेंटली रिकॉल कि मैं उस टाइम पे क्या सोच रहा था जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व किया था. तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू थिंग्स, ठीक है. ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ट्राई दिस वन. सर ये जो आपने बताया ना अभी कि हिंदी में नोट लिख देना है, तो सर ये कुछ ना कुछ एक अपने प्रीवियस आईएएस ऑफिसर विनायक नरवड़े, उन्होंने एक बुक ऑफ रोंग का कंसेप्ट बताया था कि आप मैथ्स में बुक मतलब क्वेश्चन जो आप गलत हो रहे हैं या जो टफ लग रहे हैं उसको एक साथ मतलब लिखते चले जाओ. सर ये आपका लगे कहीं ना कहीं वैसा ही है क्या कि हम रोंग क्वेश्चन या जो क्वेश्चन टफ है उनको हम एक जगह पे लिख लें कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत हुआ था.
देखो यार ये सबका पर्सनल लेवल पे अलग अलग होता है, ठीक है. आई डोंट फेस प्रॉब्लम्स इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. तो मैं जनरली ये चीज बहुत ज्यादा नहीं करता था. मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे हैं जो बहुत ही टफ थे, ठीक है. और लेकिन मैंने जानबूझ के उनको अपनी कॉपी में लिख रखा है. मैंने ये ज्यादा क्वेश्चंस के साथ नहीं किया है. तो मैंने वो चीज इसलिए की थी क्योंकि ये रिवीजन वाली चीज जो व्हाट विनायक सेड वाज आल्सो राइट, ठीक है. अभी मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपने पास होने से ना अपने को एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा व्हेन एवर यू गो टू दैट कॉपी एंड यू सी दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है. तो इन फ्यूचर जब भी वो क्वेश्चन आपके सामने आता है यू हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे इस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं. सो इट इज सोलली अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस यार, कि यू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस सीइंग ऑल दोस क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व. बाकी मेरे लिए यार उस चीज की यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी. हेलो सर, सर कैन यू सजेस्ट अबाउट चूजिंग अ हॉबी व्हिच इज फील्ड इन डीएफ, आई मीन द ऑन व्हाट बेसिस. यार एक्चुअली अभी जो है ना वी आर डिस्कसिंग मैथ्स, ओके. सो डैफ शुड नॉट बी डिस्कस at least right now. But haan, DAF mein, if you want to write a hobby, write anything which you actually do as a hobby. Theek hai? Don't try to bluff. Okay, sir. Okay, thank you. I have a question. Hello, sir. Wait. Narjo, just wait. Sayat is saying something and thoda sa tez bolna hai aapko bas. बुक्स देखा और मतलब मैंने ना उसके हिसाब से मेरा प्रिपरेशन बनाया था. फिर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट जो लगे कि आई नीड टू गो फ्रॉम बेसिक देन आई रिपीट वन यूट्यूब क्लास. सो आल्सो आई नीड टू गो फॉर सम बुक्स. सो इट्स नॉट व्हाट टाइम कंज्यूम होता है. सो लाइक आई एम हैविंग डाउट लाइक कितना टाइम एक सब्जेक्ट को देना चाहिए, मतलब मटेरियल पे फोकस करना चाहिए. ओके, सो यू आर आस्किंग अबाउट मैथ्स और समथिंग एल्स. मैथ्स के लिए पूछ रहे हो ना आप? हाँ. तो देखो क्या है ना कि आपको कितना टाइम देना चाहिए हर सब्जेक्ट में ये पर्सनल लेवल पे थोड़ा वेरी करता है. मैंने ये चीज अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है एक्चुअली कि कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली एक सब्जेक्ट के लिए लगना चाहिए एक नॉर्मल स्टूडेंट को. अगेन इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम तनिष्क कटारिया सर, ठीक है. सो आई विल गिव माय ड्यू क्रेडिट टू हिम फॉर डूइंग इट फॉर मी. सो ही हैज आल्सो डन द सेम ऑन द ब्लॉग, सो दैट्स व्हाई आई आल्सो डिड द सेम, ठीक है. लेकिन आई वुड से कि वो फ्लेक्सिबल रखो थोड़ा, ठीक है. मतलब बेस्ड ऑन योर जो है लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू कैन ट्राई कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है कौन सा कम पढ़ना है अपने हिसाब से यू कैन सी. बाकी मेरे चैनल पे मैंने डाल रखा है अप्रोक्सीमेट टाइम, सो यू कैन फॉलो दैट टाइम टेबल ऑल्सो. यस नार्जो 58 आई थिंक वॉज आस्किंग समथिंग. हेलो सर. हेलो. यस यस यस. सर प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड और डीमोटिवेट हो जाता हूँ, इसलिए हाउ कैन आई मैनेज. अरे देखो मैथ का पेपर है ही स्ट्रेस देने वाला यार. अगर आप अभी प्रीलिम्स की पूरे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो 2 महीने से और आपने प्रीलिम्स दिया, ठीक है, तो अचानक से मैथ का पेपर उठा के देख लोगे ना तो यू विल गेट इनटू डिप्रेशन. तो वो पेपर वैसा ही होता है इनफैक्ट. इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू सी पेपर विथ अ गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है. और जब भी स्ट्रेस फील हो तो यू मस्ट नो कि हर कोई इस तरह की चीजें फील कर रहा है बिकॉज नो वन इज एक्चुअली हैविंग अ ग्रेट लेवल ऑफ नॉलेज इन मैथमेटिक्स. यार एवरीवन इज स्टडीइंग जीएस, एवरीवन इज ट्राइंग टू मैनेज दिस बोट ऑफ मैथ्स एंड जीएस. यहाँ पे कोई एक पोर्शन डूब ही रहा होता है हर टाइम पे, ठीक है. तो हर कोई सेम स्टेज पे है, कभी ये मत सोचना कि बाकी लोग बहुत मैनेज करके चल रहे हैं एंड आई एम नॉट एबल टू डू, ठीक है. पेपर को जब भी देखो
see it from the eyes of everyone rather than seeing from the eyes of yourself. Stress kam hoga, confidence zyada aayega. Okay, sir. I also have one doubt. I just have started studying and hum log ne 8 to 9 logon ne group banaya hai Telegram pe. So we have decided ki hum log discuss karenge, chapters revise karenge, uske formulas wagera. But can you suggest some more points to make the group more productive, like how we should approach group study? सबसे पहले देखो उस group में जो जितने भी लोग होने चाहिए ना वो सब same level पे होने चाहिए, ठीक है? Same level in the sense सारे beginners होने चाहिए. और हाँ तो वही है, all are beginners तो best है. एक एक subject पढ़ते जाओ, एक timeline decide कर लो, ठीक है? Try to be serious. जो भी उस group में serious नहीं रह रहा है after one or two warnings eliminate कर दो, ठीक है? क्योंकि एक भी बंदा group में non serious है तो everyone will face. So seriousness जो है extreme level पे होनी चाहिए. Group में कभी भी बकवास बातें नहीं होनी चाहिए. Stick to the point, ठीक है? I also had group of 8 people, ठीक है? On Telegram itself. Or we never talked anything except the exam at least for more than 5 months. Jab ek baar prelims ho gaya na, uske baad we started talking except studies, thoda bahut cheeze college ki ya ek do cheeze, because us point of time pe sab ek dusre se familiar ho gaye the aur everyone knew ki sare ke sare serious log hain, theek hai? And 5 of us gave interview, UPSC interview, theek hai, 8 mein se. So you know how much successful it was. वो इसलिए था बिकॉज वी वर रियली डिसिप्लिन्ड अबाउट द ग्रुप. सो बी डिसिप्लिन्ड, ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरी डाउट यू हैव, और सबके सब लोगों को बोलो कि एक्टिव रहें ग्रुप पे. नो वन शुड बी इनएक्टिव देयर. ओके सर, हम लोग ये, हां बोलो कोई एक बोलो. हेलो सर, फिल्म्स के लिए कौन सा टेस्ट सीरीज अच्छा है? We are not discussing prelims actually, but test series again, I would say ki koi bhi le sakte ho. Teen test series jo mujhe achhi lagti hai, vision ke liye, vision ki, forum ki, aur unme se koi bhi le sakte ho, theek hai? Aur mains ke liye, mains ke liye yaar only vision IAS and forum IAS, dono mein se koi again ek pick kar sakte ho. Maine first attempt mein vision ki pick kari, second mein forum ki pick kari. दोनों सेम ही सिमिलर थी. फोरम में थोड़ा बेहतर इवैल्यूएशन और मेंटरशिप है, बाकी लगभग सेम लेवल है दोनों में पेपर का. पर सर मतलब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, तो मैं जो मेंस के आंसर राइटिंग कर रहा हूं, हाउ कैन आई नो मेरा आंसर सही है कि गलत है, या आंसर का लेवल कैसा है? टेस्ट सीरीज से पता चलेगा ना. टेस्ट सीरीज मतलब मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, मैं सिर्फ घर पर ही लिख रहा हूँ. तो टॉपर्स कॉपी डाउनलोड करो एंड गो राइट क्वेश्चंस जो भी उस टॉपर कॉपी में दिए हुए हैं, और टॉपर के आंसर से मैच करो, कंपेयर इट. सर टॉपिक को खत्म करने में ज्यादा टाइम लग जा रहा है. विच टॉपिक आर यू टॉकिंग अबाउट? लाइक जीएस एंड मैथमेटिक्स बोथ. नहीं तो मैथमेटिक्स में भी स्पेसिफिक किस टॉपिक के बारे में आप बोल रहे हो जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है एक्सपेक्टेशन से? बुक पढ़ते हैं तो सर जैसे एक बुक पढ़ने में ज्यादा समय लग जा रहा है. मैं वही तो बोला, पूरी बुक नहीं पढ़नी है यार. बुक में देखो कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है. डाउनलोड कनिष्क कटारिया नोट. G20 की एक गूगल ड्राइव है, उस पे कनिष्क सर के नोट पड़े हुए हैं, तो नोट्स को उठाओ, देखो कौन सा टॉपिक सिलेबस में है. सिंपली उन सारे नोट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको बुक से पढ़ो. बुक से पढ़ना क्या है, इनफैक्ट नोट से ही पढ़ सकते हो. अगर बुक से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है नोट से, तो बुक से पढ़ो और बुक से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और क्वेश्चन सॉल्व करो बस उस टॉपिक में. बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है यार बुक के. बुक का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी किताब जो है कवर टू कवर या पेज वाइज पढ़ डालनी है. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मूव ऑन करना है. PhD नहीं हो रही है इधर मैथमेटिक्स पे. GS में भी सेम अप्रोच है. ट्राई टू गो इन रेलेवेंट पोर्शन. ओके सर, आई हैव आल्सो वन मोर क्वेश्चन.
सर अभी मैं अगर मतलब अभी मैं फुल टाइम मैथ्स का पढ़ाई कर रही हूँ, तो अगर मैं अभी 3-4 months कंटिन्यूस मैथ्स का पढ़ लूंगी और फिर जीएस का पढ़ लूंगी, देन डायरेक्टली इफ आई लुक आफ्टर फॉर मैथ्स आफ्टर प्रीलिम्स, तो ये सही रहेगा क्या? या आई शुड बी इन टच विद मैथ्स इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, और आई शुड डू जीएस एंड ऑप्शनल साइड बाय साइड? बट ना सर जी, व्हाइल मतलब जीएस और ऑप्शनल साइड बाय साइड करते हुए ना मैथ्स का पता नहीं चलता, लाइक 7 to 8 hours कैसे चले जाते पता नहीं चलता, सो मैथ्स के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है. तो मैं सोच रही थी कि पूरा मैथ्स ही 3-4-5 months, 3-4 at least 3 months में कवर कर लूँ, तो अगर मैं अभी कवर करके फिर बाद में प्रीलिम्स के बाद ही देख लूँ तो ये सही रहेगा क्या? यार इट विल अफेक्ट. यू कैन डू दिस, बट यार वो एक बार अभी खत्म करने के बाद मैथ्स सीधे प्रीलिम्स के बाद देखना ब्लंडर है. यू विल हैव टू रिवाइज ऑल्सो, ठीक है? इसीलिए मतलब मैं इस चीज का फेवर करता हूँ कि मैथ्स के साथ साथ जीएस भी चलते रहना चाहिए ताकि मैथ्स खींचता रहे, क्योंकि अगर यू गो आउट ऑफ टच विथ मैथमेटिक्स इट विल गो आउट ऑफ टच विथ यू, ठीक है? ये ऐसा ऑप्शनल है जहाँ पे इफ यू आर नॉट इन टच विथ इट, ठीक है, यू विल सफर अलॉट. तो अभी ठीक है, अगर 3 महीने में यू कैन कम्प्लीट द सिलेबस तो कर लो पूरी तरह से पढ़ के, फिर जीएस पोर्शन पढ़ लो, फिर एक बार जो है जनवरी में यू विल अगेन हैव टू लुक, जनवरी फरवरी में मैथमेटिक्स को अगेन एक बार देखना पड़ेगा. हाँ, उसके बाद जो है लास्ट 3 months के लिए यू कैन लीव मैथ्स एंड ओनली फोकस ऑन प्रीलिम्स, उसके बाद यू कैन डायरेक्टली सी मैथ्स आफ्टर प्रीलिम्स, बट एक बार बीच में मैथ्स को रिवाइज करने के लिए 1.5-2 महीने के लिए उठाना पड़ेगा. ओके सर, थैंक्स अ लॉट. यस, Redmi Note 6 Pro. And sir, which test series is best for maths? Optional. See, I would say any test series which gives you understanding of the paper, which actually throws bouncers at you the way UPSC does, and an evaluation strategy. ठीक है, a good evaluation strategy. ठीक है, when I joined Aryabhatt Ashram, I had 2 options. Aryabhatt Ashram and Pariksha Ganga. उस time पे Mathocrat test series was not there. ठीक है, I went for Aryabhatt Ashram solely because मैंने जो पहले attempt में सर का open test दिया था and I really liked his evaluation strategy. ठीक है, so that's how you decide. और sir, at the time 2 test series join करना worth है या एक enough है? एक enough है. ठीक है, टेस्ट सीरीज कभी भी नेसेसरी है बट सफिशियंट नहीं है. टेस्ट सीरीज के अलावा खुद से भी पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, देखो किसी भी टीचर के पास कोई रामबाण इलाज नहीं है. यू डोंट हैव योर ओन मतलब वो है एफर्ट देयर. ठीक है, सो ट्राई टू जॉइन 1 test series एंड ट्राई टू रिवाइज एज मच एज यू कैन और टेक हेल्प ऑफ दोज टीचर्स, बिकॉज देखो क्या है ना कि कहाँ पे हेल्प लेनी है वो तब पता चलेगा जब यू स्टडी प्रॉपरली. हेलो सर. यस सर, अभी के लिए मेरे सारे लगभग डाउट क्लियर हो चुके हैं. मैं अभी विदा चाहता हूँ सर मीटिंग से. व्हाट डू यू वांट सर? अभी जाना चाहता हूँ, लीव करना चाहता हूँ. हाँ, you can leave in 4 or 5 minutes. This meeting is over. Sir, this meeting is over at 2, right? अगर तब तक किसी को पूछना है तो नहीं आना. हाँ, yes. If anyone is having anything to ask, so you can ask now because the meeting is going to be over. सर, जब बुक से पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, जब लेक्चर देखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है. तो बुक प्रेफर करें कि यार लेक्चर फर्स्ट है? यार अगेन, जहां से ज्यादा लर्निंग हो रही हो, ठीक है, दिस इज टोटली अप टू यू. अगर लर्निंग वहां से ज्यादा हो रही है मतलब लेक्चर्स से, गो फॉर लेक्चर्स. इफ लर्निंग जो है यहाँ से ज्यादा हो रही है बुक से, तो गो फॉर बुक. ये सोलली आप पे डिपेंड करता है, नो वन कैन हेल्प यू इन दैट.
सर लेक्चर से नोट बना लें कि बुक करें? यार लेक्चर से नोट बना सकते हो इफ यू वांट। एक बार डू वन थिंग, एक बार ना कनिष्क कटारिया सर के नोट देख लेना, ठीक है? सर ने नोट काफी अच्छे बना रखे हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपने नोट बनाने के बजाय एक बार उनके नोट देख लेना, अगर उनके नोट सही लग रहे हो तो उन्हीं के नोट में अपने नोट ऐड कर लेना, जो भी ऐड करना हो उनके नोट पर की पीडीएफ ले लो, उस पीडीएफ में ऐड कर लो जो भी आपको लगता है कि उनके पीडीएफ में नहीं है, रदर देन राइटिंग अ होल नोट ऑफ योर सेल्फ। यार वो थोड़ा देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना पर्सनल लेवल पे कि नोट बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, मेरे बस की नहीं थी बात, तो इसलिए आई फॉलोड हिम। मैथ्स में दिक्कत नहीं है, जीएस पोर्शन। यार जीएस पोर्शन में अगेन, यार दिस सेशन इज नॉट अबाउट जीएस, सो प्लीज अवॉइड आस्किंग जीएस क्वेरीज। सर 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 ये हम लोग अपना नोट्स कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये सर का? यार आई थिंक G20 की गूगल ड्राइव है, वहां पे सारे कनिष्क कटारिया सर के नोट्स पड़े हुए हैं। ऑल्सो आई थिंक गूगल करने पे भी मिल जाते हैं सर के नोट्स, सो वंस यू ट्राई और फिर देखो एक बार। या थैंक यू सर। ओके सर आई हैव लास्ट क्वेश्चन सर, आपको रिग्रेट हुआ क्या प्रिपरेशन के बीच में, लाइक यार एक क्यों लिया इतना बड़ा स्लैब, उससे इससे अच्छा तो पीएसआर जैसे एक दफा रीड करके मतलब खत्म कर देता, ऐसे आपको फील हुआ क्या? यार मैथ से कैसा ऑप्शनल है ना, ठीक है, जो मतलब मेरा वैसा रहा है हमेशा से कि यार इसको लीव नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्योंकि बाकी ऑप्शंस देख करके मुझे लगता है कि यार यही है जो अपने से हो पाएगा, तो रिग्रेट तो कभी भी नहीं था इस चीज का। कि इनफैक्ट मेरे साथ हमेशा ये चीज रही है कि मैं इस ऑप्शन को कैसे अपने एडवांटेज में यूज कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो दिस इज, यार देखो क्या है ना कि इस प्रिपरेशन में यू शुड हैव एक इक्का, ठीक है, एक एस होना चाहिए जो कि आप चलो एंड इस प्रिपरेशन से जल्दी बाहर निकल जाओ, ठीक है, तो वो इक्का मेरे लिए मैथमेटिक्स रहा है, ठीक है, सो किसी के लिए वो एसए के पेपर्स और एसिक्स के पेपर्स रहते हैं, जहां पे यू थिंक यू आर वेरी स्ट्रांग गो फॉर दैट। सर आपने कोचिंग क्लासेस की थी या फिर सेल्फ स्टडी? यार मैंने सेल्फ स्टडी की थी मैथमेटिक्स के लिए, और मतलब मुझे ये लगता है कि जो है कोचिंग जरूरी तब है जब आपको फील होता है कि कोचिंग जरूरी है, ठीक है, इफ यू थिंक यू आर नॉट एबल टू कवर टॉपिक्स फ्रॉम योरसेल्फ, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं एक्चुअली में सिलेबस में, मैंने कॉलेज में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखी थी या फिर स्टैटिक डायनेमिक्स पढ़ रखी थी, इसलिए मुझे ईजी लगती है, लेकिन ईजी क्या लगती है मतलब कंफर्टेबल लगता है, एक्चुअली ईजी तो कुछ नहीं लगता है वैसे इस ऑप्शनल में, लेकिन कंफर्टेबल लगता है, लेकिन अगर यू आर अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट तो वो टॉपिक्स बहुत टफ लगते हैं, so you might need assistance, ठीक है, if you don't no issues, if you need you can take. सर तो कितने hours per day देने पड़ते हैं self study के लिए? यार I told you 8 months 3 hours. Excuse me sir. सर कोई भी अगर test series होता है तो उसको how I can solve it, because films का जो भी question है वो थोड़ा बदल रहे हैं। यार वी आर नॉट डिस्कसिंग प्रीलिम्स हियर, ठीक है, आई थिंक प्रीलिम्स के डाउट्स विल टेक इन सम अदर सेशन, ओके, आई विल पोस्ट द लिंक ऑन माय चैनल, तब विल टेक ऑल द प्रीलिम्स जीएस एटसेट्रा रिलेटेड डाउट्स, अभी आई थिंक दिस सेशन हैज लिव्ड इट्स यूटिलिटी टिल नाउ एंड आल्सो द टाइम इज ओवर, ठीक है, सो सर कैन वी एंड द सेशन? सर आपने बोला 8 months और 3 hours per day self study, only self study? Yes 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 yes. Okay okay sir, thank you. Mahitosh sir, can we end the session now? Yeah. Next meeting कब होगा? Next meeting कब होगा? What are you saying? Sir next meeting कब होगा? Will I'll post the link whenever I'm free, I'll post the link, or उधर GS portion we'll discuss, okay? सर वन लास्ट क्वेश्चन। यस सर, जैसे कुछ टॉपिक्स है रियल एनालिसिस या और भी एक दो टॉपिक है जिसमें कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो सर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है उस टाइप का क्वेश्चंस में, तो कितना करना सही रहेगा, क्या करना चाहिए उसे? यार जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, ट्राई टू स्टडी, ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल हो लो उसमें, क्योंकि रियल एनालिसिस में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इनका पैटर्न है यार, ठीक है,
So you cannot leave that. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir, can we end the session? Yeah, we can end the session now. Arpit, thanks a lot for giving your valuable time and guiding these people. And on behalf of Aryabhatta Ashram, I would like to give a vote of thanks to you. And it really means a lot to us that you came here and try to answer the questions patiently. And I think this has given some clarity to the aspirants as well. So thank you once again. And if you want to say something, just one line that you can end, whatever you want to summarize. Sir, I simply want to say that it was really pleasant talking to all the people, and thank you, sir, for hosting this session, this webinar, because I have really benefited from lots of topper strategies and also your guidance too. So I would like to extend a vote of thanks to you and all those people who actually helped me in preparation. And I would like to say to all the aspirants who are hearing me right now, yaar help lene mein kabhi sharmana mat, theek hai? Because ye preparation mein, if you take help of others, you might succeed early. Thank you so much, Arpit, once again. And his word, last word, is what he meant also. He used to ask me, ki, he has some problem with ring theory or conic void. I used to make sheets for that. And since he asked, I did it for him. And many people like him asked, so help lene mein sharam nahi karo. And be committed to your goal. Certainly you will get, because mere ko ye feel hota tha ki he will be selected. And he was always on talking terms and always has a positive outlook towards the examination. Mathematics was his forte. So everybody should, forte should be mathematics. On this note, thank you everyone from Aryabhatta Ashram. Thank you, sir. Thank you everyone for joining. Okay, I'm leaving the meeting. Thank you all. Thank you, sir. Thank you all. The meeting is over.